जातीय संगीत समस्ते छिड़ा ही जानते दया पूर्वक संगीत को सम्मान दिखती ताले निश्चित भाव समस्ते वो जेते बले थ्री कहिबी सेते बले स्टार्ट करिबे समस्त रेडी 1 2 3 स्टार्ट जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जय भारत भाग्य विधाता जय 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 हे जय 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 हे बोलिए भारत माता की बोलिए भारत माता की हेलो और हेलो इधर करो सनातन भाई चला ओ सनातन सनातन धूप नहीं ना ऊपर कहां दे हिते हवे मोबाइल आज नहीं हला जा आज मोबाइल नहीं हला दे पूरा दगा दे जा दे काम के हाल ऐसा उधर लाइव एक बार मैं बुला के हेलो और बड़ी सूचना से आए हुए हैं जहां इस कमेटी हॉल में आके करें दीवान सर जी एडिटर जहां कहीं भी हो इस कमेटी हॉल में आके जूम कर प्लेयर बंदोबन खाली कर लेडीज स्टैंड में हम जो जो भाई बार आशा थी जी खाली हो दिया दया पूर्वक नाम कर दो एक ने होगा ना एक ने चलो ओ हो हमारे दीवान सारा है स्वागत है दीवान
धन्यवाद निश्चित तौर पर स्पेशलिस्ट कमेटी बिल्कुल पहुंच चुके हैं, अभिनंदन। हाँ निश्चित तौर लाइव थोड़ा हाई भाई को दीवान सर फिर से एक बार मेरे बड़े भाई को और निश्चित तौर पर जगन्नाथ भगवान एक बार उनको सुखी रखे, शांत रखे, ये मेरा दुआ है। धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आपण माने टिके साइड रे थांतु, चारि तीन चारि हाथ छाड़ी थांतु, काले किसी असुविधा न हो कहा को। यही तो दर्शक बंधु बस्तर एकादश टॉस रे विन है कि प्रथम बॉलिंग करबा पाई निष्पत्ति बा कमिटी भाई चारिआड़े टिके तदारक करंतु। तो मु स्वागत करी स्पेशलिस्ट कमेंटेटर दीवान सर को। निश्चित भाव से आपण मान को यही खेल बॉल बाय बॉल धारा विवरणी देवा पाई निश्चित भाव रे वर्तमान से पहुंची सारी छंती। तो स्वागत करीबा यहाँ दिखते नहीं यही खेल ओई नहीं धारा विवरणी बा कमेंटी भार संभालीबा पाई मु स्वागत करूची दीवान सर को। कदे आसे तो सर टिक्की याड को बस 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 अपडेट कर भाई। धन्यवाद कैलाश और ये देखिए कितना शानदार माहौल नजर आ रहा है। सबको टॉस जीता है बस्तर 11 ने और पहले छह फैशन करने का फैसला लिया। आपको मालूम है विकेट पे ओवर रन्स कितने भी आए वारा आसानी से चेस कर सके, एक बड़ा रीजन है उनका। हमने देखा इस विकेट पे बड़े बड़े रन चेस होते हैं, काफी फ्लैट विकेट है और उतनी बड़ी बाउंड्री है नहीं, कनेक्शन अच्छा हो तो बहुत आसानी से इस मुकाबले को जीत सकते हैं हम। ड्रोन कैमरा हम आप देख सकते हैं इस वक्त से इस पूरे मुकाबले को लाइव कवरेज करते हुए ड्रोन से। बातें हम कर रहे थे कि टॉस के बाद वो गेंदबाजी करने का फैसला आखिर क्यों लिया है बस्तर ने। एक प्रेसरेबल काउंटर फाइनल एनकाउंटर, दर्शकों से भरा हुआ मैदान और यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रेशर तो होता जरूर है लेकिन उनको मालूम है कि इस प्रेशर सिचुएशंस में क्रिकेट कैसे करनी है, खेलनी कैसी है। नेशनल प्लेयर्स है इस टीम में, बहुत क्वालिटी प्लेयर्स है मालूम है उनको और हमने देखा है इतनी बड़ी बाउंड्री है ना, रेड बॉल है मिडिल ऑफ द बैट आया तो फिर गेंद बहुत आसानी से वो चौके छक्के पे तब्दील होते। हमने वो 300 के मुकाबले को बिल्कुल लाइव देख पा रहे थे। अंतिम ओवर में 19 चाहिए था और मुरली ने लगभग टिटलागढ़ का रेड बना दिया था। बदकिस्मती से जो अंतिम के जो दो बाल रहे हैं वो टिटलागढ़ ने वहां पे बाजी मार दी। अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी हालांकि मुरली की, यदि वहां पे वो एक अच्छा कनेक्शन लेते तो फाइनल खेलेगा। 15-15 ओवर के मुकाबले हैं, दर्शक बिल्कुल पहुंच चुके मैदान पर और अभी भी मैं देख पा रहा था जिस तरीके से जिस रूट से मैं आ रहा था माकड़ी के आसपास के जितने भी हमारे दर्शक वो बराबर रूट पे हैं। इसका मतलब ये कि आने वाले आधा घंटे के बाद आपको जगह नहीं मिलेगी, तो जो जहाँ पे आप अपनी जगह पक्की कर ले एक समय के बाद आपको वो जगह मिलने नहीं है। पांच ओवर का पावर प्ले शुरुआती पांच ओवर से आपको मात्र दो खिलाड़ी जो है वो भी मार सकते हैं। पांच ओवर वो पावर प्ले पे काउंट होगी, बचत के 10 ओवर में वो आप रेस्ट्रिक्शंस को आप कर सकते हैं। वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो निश्चित तौर पे बाउंड्री में पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे लेकिन फिर से दर्शकों की बातें करें बिल्कुल पैक। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आपको। ये हमेशा की तरह इस इवेंट पे इस मैदान पे ये इवेंट होता है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा खिलाड़ियों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, आयोजन समिति को, आयोजन समिति के तमाम सदस्यों को और ग्राम को, ग्राम के गणमान्य नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी है और
कितना शानदार इवेंट आप करा रहे हैं, खर्चे कितने आते हैं ये जो इवेंट कंडक्ट कराते हैं सिर्फ उनको मालूम रहता है, देखना बाहर से अलग चीज है, लेकिन जो इवेंट कराता है जो टूर्नामेंट कराता है उसको मालूम होता है कि टूर्नामेंट कराना इतनी आसान, उतनी आप शादियां करा सकते हैं घर में बच्चों की, लेकिन टूर्नामेंट कराना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो लड़के मिलके भीड़ के काम करा रहे ना, मैं चाहूंगा कि आप मोहन के लड़कों के लिए एक बार जोरदार ताली तो जरूर बजा दें, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा समिति के लिए हम जोरदार तालियां बजा दें, आपको इतना शानदार माहौल दिया है, दिवाली में डबल डोज एंटरटेनमेंट का एक पैकेज दिया आपको, एक आप दिवाली में पटाखे फोड़िए और दूसरी यहाँ पे क्रिकेट का एंजॉय भी करिए। चलते हैं एक बार फिर से हमारे साथी कमेंट्री की ओर, थोड़ी सी बातें उनसे जरूर सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ घट रहा है पूरे टूर्नामेंट में, उस सेमीफाइनल टीम में कौन कौन सी थी, किन के बीच काउंटर्स हुए, वो मैच का रिजल्ट कैसा रहा, कितनी क्रंची काउंटर है, अब फाइनल में दो बेहतरीन टीमें हैं नो डाउट। निश्चित भावरे धन्यवाद सर, अति सुंदर भावरे ये खेल विषय कही थी बारे निश्चित भावरे बहुत बहुत धन्यवाद। ता पूर्वर महावीर इलेवेन रे प्लेयर लिस्ट बा जर्सी नंबर टिके हस्तांतर करी देबे, द लेडीज काउंटर को खाली करी दियंतु। हाँ महावीर दल रे अच्छी बढ़े, महावीर दल अच्छी किंतु बस्तर एकादश कैप्टन बंतु निजर जर्सी नंबर बा प्लेयर लिस्ट टिके दे दियंतु खास करके। कैप्टन चंदन बेहरा ना, हाँ चंदन बेहरा। शानदार माहौल की क्रिकेट का और दर्शक बिल्कुल मैदान के चारों तरफ खचाखच भरे हुए, स्वागत आप सभी का इस बेहतरीन फाइनल मुकाबले में। टॉस जीता है बस्तर की टीम ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है, मालूम उनको कि इस विकेट पे उन 15 ओवर पे 150-200 रन भी आ जाए तो भी इसको अचीव कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है उनके बल्लेबाजी में। ये एक बड़ा रीजन है, छोटी बाउंड्री है, बल्ले पे आती है मिडल ऑफ द बैट आती है तो फिर वो चौके छक्के पे तब्दील होती है, लेकिन अब बातें करें महावीर उमरकोट की, इनके पास इतने लाजवाब खिलाड़ी और पूर्ण रोमांच की बातें करें, बातें करें आप सीबा की, बातें करें आप खिलाड़ी के जिस वक्त आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहा है चंदन बेहरा, आपको बता दें इस खिलाड़ी ने 25 ओवर के मुकाबले में 325 रन मारे हैं, एक समय था इस बल्लेबाज का जब बल्ला बोलता था तो फिर सिर्फ बारिश होती थी छक्कों और छक्के चौके की, लेकिन आज का मुकाबला आज का समय ये थोड़ी सी डिफरेंट है। भारत आए गेंदबाजी करने के लिए, पहले ओवर लेकर हल्की सी शॉट इस बॉल डाउन द लेग और अंपायर का इशारा वाइड का, खाता खुला है सिक्स रन के साथ, हालांकि वो जो पहली गेंद होती है जनरली गेंदबाज से वो सही टप्पे पे पड़ती है, थोड़ा सा स्ट्रेच जो चाहिए होता है शरीर को, जो उनके फ्लेक्सिबल मूवमेंट चाहिए होती है वो नहीं बनती है, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद से निश्चित तौर पे एक अच्छी कमबैक कर पाएंगे ऐसा लगता है। एक और बार थोड़ी सी डाउन द लेग गेंद करने की कोशिश वहां पे और फिर से वाइड कॉल आया है, लगातार दूसरी बार यह अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ, खाता खुला वाइड से स्कोर में तब्दील हुई, एक बार फिर से वाइड आता हुआ। फील्ड की आप प्रोडक्शन देखिए, शुरुआत के 5 ओवर मात्र 2 खिलाड़ी के मारने से बाउंड्री पे पैटर्न कर सके, एक स्क्वाड एक बिल्कुल और एक बिल्कुल कमेंट बॉक्स के ठीक सामने लॉन्ग ऑन पर, ये दो खिलाड़ी हैं। अच्छी गेंद है शुरुआती दो गेंदों पे दिशा दशा से रखने के बाद ये तीसरी गेंद जो पहली लीगल गेंद आश्रम के बाहर वो थोड़ी सी मिडिल आप पे और बल्लेबाज को भी देखिए बिल्कुल डिफेंस लिया, अपना बायां पैर साथ में पल्ला लाया, एक तकनीकी रूप से सक्षम नजर आता, लेकिन पेट्रोलिंग देखिए आस्तम के बाहर जो रिंग के भीतर, अच्छी गेंद है चढ़ पे खोद के निकाला बैक टू द बॉल, एक और बार यहाँ पे अच्छी गेंद स्लिप गली पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर थोड़ी सी वाइड इस मिड ऑफ भी रखा हुआ है,
ये प्रोडक्शन पैक करके रखा है शॉर्ट मिड विकेट साथ में फिर से चल पड़े हैं। अच्छी गेंद है, फिर से बेहतरीन गेंद है और उसको उतनी बेहतर समान देते हुए यहाँ पे कैलाश अच्छी बल्लेबाजी का इंजन निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाज सप्तान के सर्व खेल रहे हैं बिल्कुल और बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल बस पे रहेगा उसके लिए भरत कश्यप खुद कप्तान है और इस बार थोड़ी सी इस बार बल्लेबाज आता चाहते थे लेकिन तीन गज के दायरे के खिलाड़ी को यहाँ पे भेजने में नाकाम रहे झपट्टा मारे हैं और सीधे फील्डर के हाथ में रन का कोई गुंजाइश नहीं सादा गेंदबाजी बिल्कुल पिछली गेंद आप देखिए मिडिल ऑफ द पैड आए थे अच्छा ड्राइव किया था लेकिन जिसके बात ही करना है कि वो शॉट एक्स्ट्रा कवर कवर ये बिल्कुल पेट्रोलिंग करते हुए ग्रीन के भीतर कदम का इस्तेमाल इस बार आंसर पे ड्राइव करने की कोशिश लेकिन फिर से शॉट मिड विकेट बिल्कुल तैनात है तैयार है बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे कप्तान से निश्चित भाव रहे बहुत सुंदर भाव रहे की भाई थी गेंदबाजी बहुत ही सुंदर भाव रहे चमत्कार बोली भरत के शब्द द्वारा शानदार गेंदबाजी अभी तक हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया है बल्लेबाज चंदन बेहरा जी को पैसे से एक पॉलिसमैन है ये आप समझ सकते हैं जो पॉलिसमैन होता है थोड़ा सा डिसिप्लिन व्यक्ति होता है चाहे वो अपने ड्यूटी हो या फिर यहाँ पे क्रिकेट में आसन के बाहर इस बार देखिए खूबसूरती के साथ इसको अटक किया है किन बॉन्ड की बात है कि चार रनों के लिए इस बार भी ट्रेली बल्लेबाज को आसन के बाहर रूम मिला थोड़ा सा सॉलिड बॉल थी और उतनी बेहतरीन तरीके से इस बार वो गेंद को चौके पे तब्दील किया 6-1 की समाप्ति के बाद बेगर के नुकसान के महावीर इलेवन ओवर कोच एक ओवर की समाप्ति 6 रन और साथ चौका यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगी निश्चित भाव रहे एक ओवर में परी समाप्ति 4 रन विद आउट लाज महावीर इलेवन पड़िया चतुर्पाश्वरे गणित श्रोतांक भिड़ कहले न सर अति सुंदर भाव में दूर दूरातर देखापी आसी जनता जनार्दन निश्चित भाव में धन्यवाद देवी कमिटी भाई को ये सुंदर भाव में खेल आयोजन कर बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट बच्चू भाई वाइस प्रेसिडेंट धनराज भाई एंड कैशियर सोनाराम जी निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्कोरर और आप सबसे मुकाबले का लाइव एक्शन कैसे कर सकते हैं आपको जाना होगा यूट्यूब चैनल पे क्लिक करने के लिए कभी बॉक्स और वहां पे जाएं और स्कोरर मुकाबले का लाइव एक्शन कैच करें दूसरी ओवर बेहतरीन ड्राइव है खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है थोड़ी सी वाइड इस एक्स्ट्रा कवर और फील्डर उतनी मुस्तैद नजर आते हैं आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद यदि मिडल ऑफ द बैट है तो फिर वो चौके पर ही ट्रेवल करते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से वो कवरेज देख पा रहे हैं आप पूरे मुकाबले का कैमरा जो लगे हुए मैदान के चारों तरफ और साथ में हमारा ड्रोन कैमरा भी ये बता रहा था कि कितना शानदार इवेंट करा रहे हैं वो लास्ट सीजन भी हमने देखा था हालांकि उठलती शाम में वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आया था लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखने को मिलता है खिलाड़ियों को खेलने में उतना ही मजा आता होगा एक फील आता है कि किसी लेवल के इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार मेरा पेट है ये इस वाले क्राउड के बाहर 6 रनों के लिए कर रहे थे यहाँ पे धीमी गति की गेंद थी और गेंद की गति को पड़ा था लेंथ और लाइन को भी पड़ा चलाया बल्ला स्कोर एक काउंट के बाद 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ जिस तरीके से स्कोर तब्दील किया है स्कोर के बाद बातें करें तो 13 पे पहुंच चुका है 13 विदाउट लॉस इट सेकंड इज गोइंग ऑन वेल लास्ट डिलीवरी इट वाज अ बिट शॉर्टिस एंड अ बिट स्लो एज वेल Another good drive, and it's this time in a pass like a bullet for 4 again. And they fight to get beautifully between the squad again, Logan. It's a terrific shot towards the mid wicket. There is no any protection, and now another boundary. Last 2 all, 10 runs so far. Now let's go move on. 17. 1-7-17 without loss. Chandan Behra is looking quite dangerous. It's a couple of boundary along with the one massive six as well.
And second over has been quite expensive so far. ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। थोड़ा सा वहां पे उंगली चलाया था, उतनी गति दी नहीं, छक्का पड़ा था वो थोड़ी सी धीरे गति गई थी, वहां पे बल्लेबाज के पास समय था और उसको टाइम कर दिया छह के लिए। दूसरी गेंद आप देखे वहां पे भी ज्यादा हार्ड हिट करी नहीं थी, मिडल ऑफ द बैट लिया था, देखा था कि गैप है वहां पे मिड विकेट पे, कोई प्रोटेक्शन है नहीं, चौके पे तब्दील किया था। ओ मिडल ऑफ द बैट है लेकिन इस बार फील्डर तैनात वहां पे, भारत कैप्टन जिस तरीके से इंडिया को भारत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से भारत भी तब्दील करना चाहेंगे क्योंकि टीम भी बेहतर परफॉर्मेंस करे। दो की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस वक्त 18 बगैर किसी नुकसान के, और गेंदबाजी में देखना यह होगा कि क्या कप्तान एक बार फिर से आते गेंदबाजी में या फिर अपने तीसरे गेंदबाज को यूज करते हैं। चंदन जिनकी जर्सी नंबर 12 है और एक रिलायबल बल्लेबाज है, मैं आपको बता ये रहा था कि इनका एक समय हुआ करता था जब ये शानदार बल्लेबाजी किया करते थे। जब हम रास्ते पे आ रहे थे तो एक भाई साहब बता रहे थे 25 ओवर के मुकाबले में इस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी कर तो इनकी टीम 325 रन करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बल्लेबाज के पास कितनी काबिलियत है, कितना टैलेंट है। हालांकि समय के साथ वो फिजिकली बातें रखे तो इस वक्त थोड़ी सी इंजमाम की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन वो स्वाद वो है उनके पास। तीसरी चेंज यहां पे देखने को मिलती हुई, पहली ओवर लेकर आए थे भारत, दूसरी ओवर में हमने पिंटू को देखा, तीसरी ओवर में यहां पे एक बार फिर से वो सीताराम को लाए। अच्छा मूव कहेंगे हम, लगातार बल्लेबाज को नए गेंदबाज के साथ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हुए आसन के बाहर कट करने की कोशिश है, कॉट बैंड के जोरदार साउंड है, देखना है कैंपर का इशारा क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करी थी एम्पायर पे शायद। जी हाँ, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा साउंड करी थी, थोड़ा सा ये कोशिश किया था कि वहां पे प्रेशर बिल्ड कर जाए, लेकिन दोनों एम्पायर इतने मजे हुए हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे वो गेंद जो है बल्ले से थोड़ी दूर रह गई है। कैलाश अच्छी शुरुआत, विकेट बिल्कुल बचा के रखा है और रन भी अच्छे आ रहे हैं। जी सर, आते हैं इस बार लॉग ऑफ के दिशा में, ये फील्डर है कि तैनात है, जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ, केवल सिंगल बटोरे हैं और इसी सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 19 रन विद आउट लॉस महावीर इलेवन। निश्चित ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, 15 ओवर के मुकाबले हैं और इन 15 ओवर के मुकाबले में जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना बेहतर होगा। रेड बॉल जो है मिडल ऑफ द बैट आती है तो छक्के छक्के में तब्दील होती है, छोटी बाउंड्री है, जरूरत है कि आप थोड़ा सा पैसेंसफुल बल्लेबाजी पे बिलीव करें, अपना विकेट यहाँ पे सेफ रखें। वासु आए हैं उनके पार्टनर स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद है, जैसे देखा कि थोड़ा सा फ्रंट फुट एग्रेसिव शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपनी गेंद की लेंथ को खींच लिया यहाँ पे सीताराम ने, चालाक गेंदबाज हैं, चतुर गेंदबाज हैं, लास्ट मोमेंट पे गेंद रिलीज करते हैं, पहले बल्लेबाज के मूवमेंट देखते हैं वो करना क्या चाह रहे हैं, और देख लिया था इस बात कि वासु जो है वो थोड़ी सी चहलकदमी के साथ बड़े शॉट को खोज रहे हैं। दर्शकों को देखिए मैदान के चारों तरफ, उनको मालूम है कि अब यहां से जगह मिलेगी नहीं, ये बढ़िया गेंद है वो शॉट ऑफ गुड लेंथ से थोड़ा सा कदम आता है इस्तेमाल किया, थोड़ी सी बाउंसी बॉल और डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, तीन की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस वक्त बगैर किसी नुकसान के 19 विदाउट लॉस आफ्टर थर्ड। एक और अच्छी गेंद, एक अच्छी ओवर, इस ओवर की आप बातें करें तो इस ओवर में मात्र और मात्र 2 रन आए, क्षमा चाहे मात्र 1 रन, पहले ओवर पे 6 था, दूसरे में आया था 12 और तीसरी ओवर पे 1, कुल मिला के 19, अच्छी गेंदबाजी। पुनः पिंटू को गेंदबाजी पे लाया है, भारी की चौथी ओवर, शुरुआत के 5 ओवर ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पे महावीर को कि शुरुआत के 5 ओवर क्रूशियल है,
थोड़ी सी वो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ मूव करने की जरूरत होगी। ज्यादा आप अपने विकेट को सेफ रख के बल्लेबाजी करेंगे तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शुरुआती ओवर की पावर प्ले की बातें करें आप, चार ओवर की पावर प्ले है, ये अब थोड़ा सा इसमें अपडेट आया है और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। देखना है कि यहाँ पे बेहरा क्या करते हैं, करेंगे वही करेंगे जो उनका मन करेगा और ये छह पे तब्दील करेंगे। ऊपर मिली गेंद, चलाया बल्ला लॉन्ग अप के ऊपर से चारों के लिए करारे दूसरा छक्का इनके बल्ले से। थोड़ा सा फटक गए थे लेन से, ऊपर गेंद रखे और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे। अच्छी ड्राइव है, बैक टू द बॉलर है, देखना यहाँ पे क्या कुछ होता है। सिंगल जरूर आएगा, दूसरे की संभावना तलाशना चाहिए, जी नहीं खतरा होगा। एक परिसर तो स्कोर जा पहुंचा इस एक के साथ 26 बैगर के भुगतान की अच्छी शुरुआत जिसके हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद उड़ीसा के जान और महान बल्लेबाज पूर्णो मांझी, सिवा ऐसे बल्लेबाजों को आप देख पाएंगे, थबीरो कुछ ऐसे हैं इनके पास बल्लेबाज जो किसी भी समय वो बल्लेबाज में इतना रन कर सकते हैं कि बारिश कर देंगे रन की। आज बस्तर की बातें करें, लास्ट सीजन में बस्तर ने फाइनल खेला था, इस सीजन में एक बार फिर से वो फाइनल पे आई हुई है, इसका मतलब कि बस्तर की टीम भी काफी मेहनत कर रही है। करारा शॉट है, फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पे। इस टीम के सबसे ऊंचे कद के खिलाड़ी अमन, लेडीज स्टार्ट को खाली करी रहे दो दयापूर्वक। पिंचुको के लिए गेंद, ओ ये तो जरूर लेना चाहिए था, थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए थी वहां पे, कि आप गेंदबाज के साथ हल्का सा अपनी वो फुटवर्क दिखाते, थोड़ा सा अपने बॉडी को मूवमेंट करते, शायद ये कैच पे कन्वर्ट हो सकता था। थोड़ी सी तो ऊपर आपको डाइव कर ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि शुरुआती झटके देने बहुत जरूरी होते हैं। एक आसान सा विकेट बन सकता था, हालांकि थोड़ी सी दूर जरूर है कि वहां पे सीताराम। ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के पश्चात, अच्छा मचाए चार की समाप्ति के पश्चात 27 बैगर के नुकसान के, और यहां से पावर प्ले की पाबंदी अब गायब हो गई है। ऐसा है कि अब मुझे दो खिलाड़ी आपको बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे थे, वो दो के बजाय अब आपको पांच नजर आएंगे बाउंड्रीज पे। अब यहां से बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना आसान हो जाएगा, लेकिन वो जो बड़ी बाउंड्रीज खोजना, गैप को खोज के चौका करना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि बाउंड्री इतनी बड़ी है नहीं, उनकी जो डिस्टेंस देखें आप ज्यादा बड़ी है नहीं, वो शॉट का कनेक्शन अच्छा हो, प्रॉपर एलिमिनेशन हो, तो पूरे छक्के पे कन्वर्ट हो सकता है। दर्शकों का भीड़ हुजूम जो है बिल्कुल उमड़ पड़ा है मैदान पे, जिस तरीके से आप वो क्राउड देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं आप, मजा आ रहा है। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, ड्राइव करने के लिए मजबूर किया है, सिंगल पे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और राहुल वहां पे तैनात, सिंगल पर संतुष्ट किया बल्लेबाज को, एक और रन का हिसाब हुआ, इसको जा पहुंचा 28। सीताराम अपने कोटी की दूसरी ओवर लेकर आते हुए, एक बार फिर से वो टोपी लगी है बल्ले की, प्रॉपर तरीके से मिडिल नहीं कर पाए, क्या यहां पे दूसरा रन के मूव करेंगे, मौका है जरूर लेकिन जी नहीं, खतरा भी है। सिंगल डबल पे बिलीव जरूर कर रहे हैं, ढीली गेंदों पे थोड़ा सा वो चौके छक्के भी तब्दील कर रहे हैं। अब तक हमने इस पारी में दो बड़े छक्के देखे हैं, ये देखिए धीमी गति गेंद, देख लिया था बल्लेबाज की, फिर से वो फ्रंट फुट आके बड़ी शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सीताराम, जिनकी मैं बातें करना कि ये चालाक है, ये चतुर है, और बिल्कुल अंतिम समय पर वहां पे उंगलियां फिरा दी गेंद पर, तेज होती तो बल्लेबाज इसको वो बड़े हिट पे एक मैक्सिमम पे कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे ही देखा कि धीमी गति गेंद है, चिप शॉट खेला, सिंगल पे तब्दील किया, लेकिन यहां पे ये नहीं रुकेंगे, चलाएंगे बल्ला और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर।
वो नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स होती है। ऊंचे कद के खिलाड़ी के लिए पॉजिटिव चीज ये होती है कि आप वो हवा की गेंदों को कैच पे जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आने गेंद पे थोड़ा सा कवर झुकाना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखा हमने पिछली गेंद पे अमन से एक बार फिर से उनकी तरफ आक्रमण करे, लेकिन तैनात है मिड विकेट। ओ थोड़ा फ्लैट ही थ्रो होता तो शायद विकेट पे कन्वर्ट होता, ऊपर आ गए थे, एक मोमेंट का मिस हो गया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, हालांकि पिछला जो चौका है वो थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, इसको अपडेट करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कप से बाहर है, तो एक बड़ा कारण उनकी फील्डिंग है। क्रिकेट का ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट पे बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है किसी भी टीम को। बियॉन्ड द विकेट गेंद ट्रेवल करिए, लगता है चार रन पे कन्वर्ट हो जाएगी। जी हां, लीडिंग एट पर, लेकिन एक और चौका इस ओवर का। और कैलाश सुबात लाजवाब पांच ओवर 40 रन लेकर के बेहतरीन साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों से। अति सुंदर भावरे जड़ी मध्य हो जाओ 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 कमिटी छोकरा मन जाओ देखिए आप कमेटी की राइट गुलोगी, इसका प्रभाव आएगा नहीं कॉमेंट्री पे, शानदार मैनेजमेंट है ये। पारी की पांच ओवर का खेल आपने देखा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक आया था, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गेंदबाजी में तब्दीली हुई। इस ओवर की वो दूसरी गेंद फेंकी गई, पहले पे हालांकि एक अच्छा सिंगल हमने जरूर देखा था वहां पे बेहरा से, जितने वो हार्ड हिटिंग पे बिलीव करते उतने सिंगल डबल पे भी। ओ ये करारा हिट है, लेकिन फिर वहां पे तैनात है, थोड़े से चूक गए वहां पे लक्ष्मी, और इस बीच दो बॉल को आ गए बल्लेबाज के पास, वो सिंगल It's a time for the license for the batsman to go for biggies. That's a free hit ball. So here we go.
outside of and it's just inside of the void line. Exactly, it's been a terrific ball from the bowler. Just put the ball in outside of in a block ball. And he converts with the dot. Score is under 41 without loss. Excellent partnership between both the openers. This time outside off again went for the drive and a good caught to behind the wicket by the keeper and out for the wicket. But there is no reaction on their pass. Finally, they are moving for with discussion what had happened in the last ball. Keeper slip and very close all the players. They are quite confident about the wicket. And it's a no, not out. And keeper Siva is taking DRS, but there is no any facility regarding DRS. As far as the modern cricket is concerned, lots of technologies, lots of benefits and many more things. But sometimes DRS it is also make some damage. He's stepping out and once again goes for the rigwan and again in just two of the bed and cannot be the one just single. So by a beautiful. Backward is quality, deep mid wicket, log off and deep cover. Hammer down towards the long arm, and it's a good gap, good fielding, good throw, and the over after six. After six over, 43. Check his amount of capacity. 43 बेकर किसी नुकसान के शुरुआत अच्छी शुरुआत है. विकेट बचा के रखी, उनको मालूम है कि विकेट हाथ पे रहेगी तो बड़े रन आ सकते हैं. अच्छी शुरुआत कैलाश और वो जो विकेट बचाने का एक प्लान किया यहाँ पे दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, उनको मालूम है कि इनकी जो मिडिल पे डेप्थ है, इनके मिडिल में जो हार्ड हिटर्स है वो बड़े रन कर सकते हैं. छह ओवर परिसमाप्ति. टोटल स्कोर 43 रन. कौनसी विकेट नहीं. महावीर 11 द्वारा अति सुंदर भाव रे बैटिंग. सलामी जोड़ी द्वारा निश्चित भाव रे चमत्कार बैटिंग. ये पर्यंत विकेट नहीं निश्चित भाव रे. बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा अपडेट महावीर 11 भाई. फिर से आसम के बाहर पॉइंट से चिटक गई अगेन. बॉडी की तरफ ट्रेवल कर रही है, काफी तेज आउटफील्ड है, बचा लिया गया. वो आसम के बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा वाइड रखने की कोशिश वहां पे गेंदबाज से बल्लेबाज के पहुंचे, थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश करते हुए. लेकिन बल्लेबाज भी उतनी चालाक और चतुर, बिल्कुल अपना बल्ला चला दिया. वो थोड़ी सी दिशा दे दी गेंद को, जब तक के गेंद को फील करके थ्रू कर ली जाती. दो ओवर का इजाफा हुआ है, पारी का ये सातवां ओवर है. ओ तेज गति की गेंद जरूर है, लेकिन आसम के बाहर है, वाइड भी है. विकेट के पीछे कीपर भी अच्छा काम कर रहे हैं. आसम के बाहर आप रिंग के भीतर फील्ड का प्रोटेक्शन देखिए. कीपर के साथ स्लिप है, गली है, बैकवर्ड पॉइंट है, साथ में शॉट कवर है. धीमी गति की गेंद थी, बल्ला पहले स्विंग किया, गेंद लेट से कैरी करी. ये चाहिए होता है मॉडर्न क्रिकेट में. अब बल्लेबाज इतने स्ट्रांग हो गए होते हैं कि आप बस तब सकते हैं जब आपके पास वैरायटीज हो, आपके पास विभिन्नताएं होगी तभी जाकर आप बस पाएंगे. और ये हमने इस ओवर में देखा है. पहली गेंद आसम के बाहर ब्लॉक पे रखी, दूसरी गेंद को वाइड जरूर कॉल आया मगर वो तेज गति गेंद. तीसरी गेंद थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, चौथी ऊपर रखी है, इस बार बाउंड्री की संभावना को तलाश करते हुए, लेकिन फील्डिंग उमदार लाजवाब है, बचा लिया. शानदार तरीके से वो फील्ड पे काम करते नजर आ रहे हैं. बस्तर के फील्डर्स तेज है, तर्रार हैं.
फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। दर्शकों को देखिए आप मैदान पे जिस तरीके से वो भीड़ उमड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सामने में जो रोड है ना वो शायद ब्लॉक हो गई हो। आने वाले उस शाम तक इस रोड पे बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी, लेकिन इस बार फिर से लीडिंग एज वाले का क्या कीपर पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए थे, उल्टी दिशा में दौड़ना और कैच गैदर करना ये बहुत मुश्किल होता है, हालांकि मेहनत अच्छा था। 48 भारी का ये सातवां ओवर, प्रॉपर कनेक्शन अब तक हमने देखी नहीं है। जर्सी नंबर 7 पे जो बल्लेबाज है वासु से, हालांकि बहुत बड़े हार्ड हीटर है, हमने इनको एक शानदार पारी देखी थी विशाखापट्टनम ने इस बल्लेबाज से। स्पॉट पकड़े जाएंगे, वापस आना पड़ेगा बेहरा को, आस्तम के बाहर मिली, चलाने की कोशिश बल्ला को और बढ़िया कैच वहां पे स्लिप में, विकेट 35 की एक अच्छी पारी, लेकिन वापस पवियर। आप जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं जिनको देखने के लिए इस बीच ऐसे बल्लेबाज वो आपको मैदान पे नजर आ रहे हैं, नाम इनका पूर्ण मांझी है, पेसेस ये भी ओडिशा पुलिस में है और क्या कमाल के खिलाड़ी हैं भाई, इनकी ड्राइव देखेंगे, इनकी कट देखेंगे, इनकी पूल देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। पिछले सीजन में इन्होंने 300 कोंडागांव के लिए खेला था, ऑल इंडिया इवेंट था वो विश्रामपुर के मैदान पर, और 300 कोंडागांव ने वहां पे ऐसी टीमों को शिकस्त दी थी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मुंबई के अश्विन सहारे की टीम हो, शाही 11 राजनांदगांव की टीम हो, या फिर कुमली 11 जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लाजवाब क्रिकेट की टीम हो, उन तमाम टीमों को पछाड़ा था। फाइनल में वो थोड़े से गच्चा खा गए, दिलीप बिजवा का शतक भारी पड़ गया था, हालांकि हर मैचेस में पूर्णो ने वो दिखाया था कि इस बल्लेबाज में क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है, आज का फिर से वो टैलेंट डिस्प्ले करने की जरूरत है। बहुत बड़ा नाम है रेड क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से इनका बल्ला चलता है बहुत ही शानदार है। 1.5 साल पहले जब बात हो रही थी तो इनका कहना यह था कि वो लिगामेंट में थोड़ा सा वो क्रैक्स हैं एसीएल पर। ओवर की समाप्ति हुई इस तरीके से, पारी का ये 7 ओवर पूरा हुआ, 7 की समाप्ति के बाद 37/49 एक के नुकसान पे। इस ओवर की बातें करें, अच्छा ओवर, सफल तो ओवर आया, विकेट भी रन भी ज्यादा कुछ नहीं, रन रेट की बात करें 7 रन पर ओवर आ रहे हैं। वापस चलेंगे पूर्णमाजी की तरफ, उनके लिगामेंट में क्रेक है, एसीएल उनका क्रेक है, पांच तो इसके क्रिकेट से वो दूर नहीं है, अपनी बीबी से ज्यादा वो क्रिकेट से प्यार करते हैं ऐसा उनका कहना था, और करते हैं। जो आप क्रिकेट पे जो समय बिताता है ना वो सिर्फ वो समझ सकता कि उनके लिए कितना बड़ा चीज है, वो बाकी सब चीजों को साइड रखता है और यहां पे वो फोकस करता है, ये कर रहे हैं। भारत आए गेंदबाजी में, टीम के कप्तान शॉट इज बॉल पुल करने की कोशिश, बियॉन्ड द विकेट, अच्छा कैच है, थोड़ी सी लो हो रही थी बॉल, हालांकि यहां पे बाउंस देखने को मिला था लेकिन विकेट कीपर तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी नीचे रह गई थी, वो कैरी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही है, विकेट काफी लंबे दिन से खेलता आ रहा है, बाउंस जरूर है लेकिन बाउंस के साथ वो कैरी थोड़ी सी कम हो गई है, ये देखने को मिल रहा है। भारत एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के साथ, ऐसे में अमन गेंद के नीचे और विकेट, बड़ा विकेट, पूर्णमाजी इतने बड़े बल्लेबाज का विकेट निकाला यहाँ पे कप्तान ने, कितने खुश होंगे वो, ये यदि रुकते ना तो बारिश करते रनों की, जल्दी में नजर आए, जल्दबाजी कर दी। दर्शकों से निवेदन है भाई कि मैदान के भीतर पटाखे ना जलाएं आप, मैदान के बाहर आप ये काम जरूर कर सकते हैं, हालांकि दिवाली है, दिवाली का सीजन चल रहा है और सबके घरों में वो छोला भर भर के पटाखे हैं, हमको मालूम है, अगर इन पटाखों को आप ना मैदान के बाहर जलाएं ये अच्छा रहेगा।
ऑडियंस मधुबनी अनुरोध आपण माने बाण फुटांतु नाही फील्ड भीतर को दया पूर्वक आपण माने केही फील्ड भीतर को बाण फुटांतु नाही। बड़े बल्लेबाज वापस आ गए, ऐसा समझ सकते हैं आपकी भारतीय टीम के विराट कोहली और महावीर इलेवन के पूर्णमाची, ये है दोनों बल्लेबाजों की क्वालिटी। हम आपको बता दें विराट कोहली जैसे आउट होते हैं तो एक मायूसी सी आ जाती है दर्शकों में, कुछ इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां यहाँ पे महावीर इलेवन के साथ है। पूर्णमाची को लेकर नए बल्लेबाज मानस आए हैं जर्सी नंबर 3 के साथ, मानस और अब मानस और वासु चाहिए होगी एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने का, की शुरुआत काफी अच्छी दी थी तुम्हें लंबा विकेट चटका पाता है और इस संकट से किस तरीके से उभर पाएगी महावीर इलेवन, ये भी हमें देखनी है। रेड बॉल की स्पेशलिस्ट है वो, करारा जवाब देने का उनके पास वो क्षमता है, काबिलियत है और वो देंगे, इस पे क्वेश्चन की बात नहीं। चलते हैं कप्तान की तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये देखिए खोद के निकालने की कोशिश, एक और बढ़िया कैच। ऊपर मिली थी आवाज को छोड़ने के लिए गए, वो उंगली भी गेंद थी, गेंद लेट के निकला, बैक लिफ्ट थोड़ा ऊपर आया, गेंद हवा में चली और वो जो शॉट एक्स्ट्रा कवर जिन्हें आप सिली मिड ऑफ भी कह सकते हैं वो बिल्कुल तैनात थे और कितनी बेहतर तरीके से वो कैच गेदर किया, बिल्कुल आसान था वो। ये विकेट है नहीं और वो दर्शकों से नहीं बदलने भाई, इसका विशेष ध्यान रखें, वहां पे फील्डर को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा। फिर हम आपसे निवेदन करना चाहते जब पटाखे चला रहे हो निवेदन के बाद जलाएं आप। चलते हैं हैट्रिक पे है कप्तान, पहले बल्लेबाज पूर्णो को, उसके बाद मानस को और अब क्या होगा। अच्छी गेंद है, ड्राइव अच्छी है, सीताराम उतने चालाक है, चतुर है, तेज है, तरार है, जर्सी नंबर 45 एक इनकी जर्सी रोहित शर्मा की, तभी रोए पिछले सीजन में इनका बल्ला अच्छा बोला था, काफी अच्छा बोला था, बोला है क्या खूब बोलाएगी 6 रनों के लिए। भारी का 8वां ओवर है, कप्तान अपनी कोटे की दूसरी ओवर लेकर आए हैं, इस ओवर की सभी गेंदें बेहतर है, किस ये ऊपर दे दी बल्लेबाज को वो रेडार में मिली, 15 ओवर के मुकाबले में जब आप रेडार में देंगे तो बल्ला चलेगा ये बल्लेबाज का। और ये तेज गति की गेंद नीची है, ये थोड़ी सी मुश्किल में बल्लेबाज को, ओवर समाप्ति हुए डॉट के साथ और 8 स्कोर है 55-3 के नुकसान पे महावीर इलेवन आफ्टर 8 55 for 3। जी हाँ, वो दर्शकों को देखिए आप, वो दर्शकों के साथ साथ तो मैनेजमेंट टीम को देखिए आप, मैदान के चारों तरफ वो चाक शोभन रखते हुए शानदार नजारा, और ये नजारे देखिए पता लगा सकते हैं आप कि ये इवेंट कितना ग्रो कर रहा है साल दर साल, कितना चाम है इस इवेंट में, कितने मजे हैं दर्शकों को भी, कॉम बॉक्स से कमेंटेटर्स को भी और खिलाड़ियों को तो उतने ज्यादा मजे आ रहे होंगे कैलाश, निश्चित ऐसे ऐसे क्राउड के बीच में खेलना एक फील देता है, एक फ्लेवर देता है, ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बड़े इवेंट में आए। और ये मोहन जो है ना इतना अच्छा काम कर रहा है, यहाँ के लड़के जो मिल के काम कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है इन लड़कों को देखकर, निश्चित भाव रे। प्रिय दर्शक बंधु आज ये उड़िया नाटक भी है अपने माने जबारू भूलन, निश्चित भाव रे आसंता आज ये 13 तारीख दिन नाटक हो
अति संख्या योगदान देवे आज रात ठीक दस घंटी का समय रे जमारु भी भूलतु नहीं दर्शक बंधु अति संख्या रे बहुत संख्या रे योगदान देकि नाटक टी को साफल्य मंडित करिबा हेबे दर्शक बंधु ओडिया नाटक आज रात ठीक दस घंटी का समय रे ये बता रहे भाई साहब कि आज आप पहले दिन को क्रिकेट देखिए शाम को नाटक देखेंगे अब और नाटक ये छक्के का देखिए पहले आप पहले ये छक्के का नाटक देखिए कदू का इस्तेमाल किया गेंद को रेडार में लिया और छक्के पे तब्दील किया कनेक्शन अच्छा था एल एम एस अच्छा था टाइमिंग लाजवाब थी ताकत उतनी शानदार था इस छक्के पे कदमों का एक अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला थोड़ा सा वो फ्रंट फुट को हिलाया गेंद तो अपनी रेडार में पाया और बल्ला चलाया ओ यहाँ पे एक और अच्छी ड्राइव है गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर है चावन है खूबसूरत ड्राइव है ये वासु प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अब इनकी आंखें जम चुकी है और ये बिल्कुल दही की तरह ओ ये फिर से बड़ा हिट करने की कोशिश गलती कर दी लगता है ये नहीं करनी थी दो बड़े शॉट के बाद तीसरा अटेम्प्ट किया था चतुर चाला गेंदबाज विकेट निकाल ली आप लंबे समय से विकेट पे समय बिता चुके हैं तो आपको जरूरत थी थोड़ा सा वो पेशेंस वाले क्रिकेट यहाँ पे आपका विकेट निकला है लक्ष्मी की अच्छी कैच नजरें टिका के रखी गेंद पे अंतिम समय तक हालांकि जब गेंद हवा में और ऊपर जाए तो फिर वो कैचेस उतने आसान होते नहीं जितने हमको लगते हैं वहां पे फील्डिंग करने वाले को समझ में आता है कि उनके पैर किस तरीके से कांपने लगते हैं लेकिन लक्ष्मी ने वो कैच गैदर कर लिया है अच्छी विकेट निकाला ओ ये आते रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश थी नए बल्लेबाज न्यूज़ आए बल्लेबाजी करने के लिए शुरुआत तो कुछ इस तरीके से करने की कोशिश की जैसा कि मैक्सिको ने किया था मैक्सिको दो कैच और अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया इस वक्त वर्ल्ड कप पे एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता था न्यूजीलैंड और बिल्कुल कॉम बॉक्स में आ गई है छह रनों के लिए शानदार शॉट मिल गया इस बार की समाप्ति के पश्चात 73-4 के नुकसान पे महावीर इस ओवर में रन भी देखे इस ओवर में हमने वो ड्रामास देखे इस ओवर में हमने विकेट भी देखा एक परफेक्ट क्रिकेट देखने को मिला दर्शकों के लिए रन भी आए फील्डिंग अच्छी देखने को मिली विकेट भी देखने को मिला कीपर आया गेंदबाजी करने के लिए सिवा अच्छे गेंदबाज हैं गति इनके पास अच्छी रहती है थोड़ा सा स्विंग पे बिलीव करते हैं पुराने गेंद से क्या कर पाएंगे ये देखना है इनकी उपयोगिता का जब के खिलाफ इनके यदि यहाँ पे है जी का एक बड़ा रोल रहा है उस ओवर में जो उन्होंने माकड़ी के बल्लेबाजों को रन कर देने दिए यदि उनकी गेंदबाजी दूसरे तरीके से नहीं होती तो फिर इस वक्त इनके पे वो माकड़ी होती और बस्तर शायद बाहर होता टूर्नामेंट से तो एक एक ओवर एक एक गेंदे एक एक रन कितने मायने रखते हैं ये आपको बताता है भले हम इस मैदान पे न जुड़े लेकिन पूरे मैचेस को लाइव देख पा रहे हैं और उन मैचेस को जब आप देख पा रहे हैं तो वहां पे प्लेयर्स के एनालिसिस उनके परफॉर्मेंस उस पर पैनी नजर रखनी होती है जिस तरीके से गोलू ने वो पहले
मैच में रनों की बारिश गिरी थी, दूसरे मुकाबले में थोड़ा सा चूक गए। ये देखिए फिर से वो शॉट करने की कोशिश, विकेट आते ही ओवर में ड्रामा सा कर दिया है, जरूरत नहीं रही शॉट की, खराब शॉट सेलेक्ट। छक्का लगा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मैक्सवेल वाली शॉट खेलनी चाहिए थी, इस उतना आपको मैक्सवेल वाली शॉट की जरूरत थी नहीं, आपको थी न्यूट्रल वाली काम है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। इस विषम परिस्थिति में, संकट वाली स्थिति में आप वो मैक्सवेल वाली बल्लेबाजी करने जाएंगे तो आप अपने टीम के लिए ना संकट लेकर आएंगे, बल्कि संकट को उबारना था यहाँ पे आपको। चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के रिप्लेस वो शिवो, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है भाई, इनका जब बल्ला बोल इतना बोलता है कि आप बस आसमान पे ही नजरें गड़ा के रखेंगे, दो ही लोगों का काम होगा, एक गेंदबाज का, दूसरा बल्लेबाज का, तीसरे को एक काम करना पड़ सकता है, गेंद को मैदान के बाहर से लाना ही पड़ सकता है। ये भी गए थे कुछ अजीबो गरीब शॉट खेलने के लिए, और मॉडर्न क्रिकेट अलग सी क्रिकेट देखने को मिलती है, प्रोफेशनल और वो जेन्युइन बल्लेबाजी पे बिलीव करनी होगी, शुरुआती गेंदों को तो आप कम से कम सेंसेबल बल्लेबाजी पे जाएं, जब आप विकेट पे समय बिताएं, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लें, थोड़ा सा मिडल ऑफ द बैट लेने आए लेकर आए, तब आप इस तरीके की शॉट खेल सकते हैं। आसन के बाहर ये गेंद नीचे है, विकेट पे अनइवन बाउंस है भाई, दूसरी पारी में आसान होगा नहीं बस्तर के लिए वो रन चेस कर पाना, देखना ये दूसरी पारी पहले क्या यहाँ पे रोलिंग होता है, संभावना कम है, विकेट काफी लंबे दिनों से खेलता आ रहा है और विकेट पे वो जो अपनापन है, विकेट पे जो वो रीच है वो देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे सीबा का बल्ला चला है, गेंद बाउंड्री की तरफ लेकिन लक्ष्मी उतने मुस्तैद, अच्छी हो ये ओवर आता वाह, अच्छा ओवर घटता हुआ, एक अच्छे बल्लेबाज जिसने पिछले ओवर में एक बड़ा छक्का किया था, वापस पवेलियन चलता क्या, और उसके बाद आप देखिए उतनी ज्यादा विड्थ, उतनी ज्यादा रिप्थ दी नहीं है बल्लेबाजों को जिससे वो बड़े रन कर पाए। अंतिम इस ओवर के दाएं बाएं कॉम्बिनेशन है और उसके अकॉर्डिंग अपने फील्ड को थोड़ा सा प्लैश कर, वो जो लॉन्ग लेग गए हैं उनको थोड़ा सा स्क्वाड लेग लेकर आए हैं, मिड विकेट रखा है लॉन्ग, ये देखिए आप बल्ला बिलीव करना होगा ओवर की होगी समाप्ति और इस तरीके से पारी कही है, 10वां ओवर समाप्त हुआ, 10 की समाप्ति के पश्चात स्कोर 74, 10 की समाप्ति के पश्चात धन्यवाद को बहुत संख्या खेल को देखा आसी धन्यवाद निश्चित भाव बर्तमान दस प्रथम बोलिंग करने निष्पत्ति किंतु वोल्टा निश्चित भाव में अति सुंदर भाव में गेंदबाजी पुणी थे बोलिंग करने पुणी थे प्रस्तुत और करा अपना हाथ निश्चित तौर पर ये नहीं कि फिल्टर तैनात है लेकिन रोकने में नाकाम रहेंगे, बिल्कुल चार रन का इशारा इसी चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 78 रन, 11वां ओवर बिल्कुल यहां पे मनोज के द्वारा जारी, बिल्कुल
और फिर से चले मनोज जी और कमाल का बल्लेबाजी, लेकिन इस बार नीचे फील्डर लंबी लॉन्ग एंड स्लेट की तरफ बेहतरीन कैच, बड़े कैच। सॉरी खेपा से भी निश्चित भाव रे वर्तमान हाथों बधे खसी जाए बॉल टी निश्चित भाव रे अति सुंदर भाव रे चमत्कार कैच धरिबा पाई चेष्टा करू थिले अति सुंदर भाव रे तो रन अटकी जाए निश्चित भाव रे 78 सॉरी 79 प्रिय दर्शक बंधु आपण माने टिक्के बाउंड्री छाड़ के टिक्के साइड रे थांतु आज राति निश्चित भाव रे अति संख्या रे योगदान देबे दर्शक बंधु ओडिया नाटक तान को पेश करिबो ठीक 10 घंटी का राति बहुत संख्या रे योगदान देबे दर्शक बंधु थोड़ी सी यहां पे से काफी है थोड़ी सी बाहर गए और स्कोर चलाए थे जरूर नाथ है लॉन्ग आउट पे जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहल कदमी के साथ केवल सिंगल से अपने अपने छोर में बदल चुके हैं दीवान सर जी निश्चित ही एक अच्छी वापसी हुई है यहाँ पे बस्तर के गेंदबाजों से जी सर शुरुआत देखिए आप 49 रन की मिली थी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों से लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार विकेट चटकाई है इन गेंदबाजों ने वो देखते ही बन रहा है जी सर इस बार आसम के बाहर मिली कट की गेंद को पॉइंट की तरफ और ये देखिए रन आ जाएंगे 33 गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग पिछला कैच आप देखिए लक्ष्मी का एक शानदार प्रयास था जब उनको लगा कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं वो फुल लेंथ की डाइव कर गए और ये पूछा जा रहा है बॉल दिया तो पड़ी थोड़े से पास साढ़े ऐसे में गेंद चेंज कर दी जाएगी निश्चित तौर पर नए भी पुराने भी सभी तरीके की गेंदें वहां पे पहुंच चुकी है देखना है कि वहां पे एम्पायर और बल्लेबाज किस गेंद से मैच ऑन करेंगे इसी तौर पर निश्चित तौर पर थोड़ी सी यहाँ पे विकेट का पतझड़ बिल्कुल कहीं कहीं सफल कर रहना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को और कहीं ना कहीं खास करके यहाँ पे अंत तक डटे रहना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को और कहीं ना कहीं थपीरा जी को और सिपो जी को लेकिन कैलाश जी आप बिट्टू की बातें करें ना तो वहां पे गेंदबाज का मेहनत तो था जरूर जी सर बल्लेबाजों के शॉट का सिलेक्शन उतना ही खराब था जी सर और बिल्कुल यहाँ पे करारा प्रहार करना चाहते थे विकेट कीपर से भी इस बार मिस होता हुआ जिसके चलते केवल सिंगल से अपने अपने छोर में बदल चुके हैं इसी सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 83 रन लॉस ऑफ 5 विकेट वन गेंद शेष है बिल्कुल एक बॉल शेष है अच्छा करेंगे सीपो बिल्कुल एक उसके बाद वो 4 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा जी और उन्होंने अंतिम के 4 ओवर में हम सीबो से कुछ बड़े देख पाएंगे जी बिल्कुल रवि रखे हैं बिल्कुल लगता है कि बल्लेबाजी करेगा अंतिम जो हमने वो 2007 में पारी देखी थी ना जी सर सिंह इंग्लैंड के खिलाफ जी सर वो पारी हुई थी छक्कों की 12 में 50 आए थे कुछ उससे की पारी करनी होगी जी सर बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे क्या होगा बिल्कुल नए थे उत्साहित है एक्साइटेड है हमेशा की तरह एक शानदार फाइनल के लिए लाजवाब मैनेजमेंट है यहाँ पे मेंबर्स ने जो मेहनत कर हर साल का एक नियत तिथि होता है और तमाम दर्शकों को एक अच्छा अफर का सवाब दीजिए बिल्कुल और अवैध का कोई गुंजाइश परी समाप्ति पर कोई स्कोर 83 रन लॉस ऑफ 5 पर महावीर 83 रन की समाप्ति के पश्चात हालांकि महावीर 11 इन 10 ओवर्स में वो 83 के बजाय 150 रन कर सकती थी इतनी काबिलियत थी उनके पास इनसे
मैनेजमेंट को जो रहे थे वो भी करें। रन किए थे आज करके थोड़ी सी ना अपने बेटी के लिए गेंद इन्होंने भी अच्छा छक्का मारा। जरूरत थी नहीं वहां पे, क्या जरूरत थी, आपकी टीम संकट चाहिए थी, लेकिन पहले सबको आपने देखा होगा जब इस सीजन का वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जी सर, जहां पे भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे रोका तो जरूर था, लेकिन उसके बाद जब वो चेस करने गए तो किसी को पता नहीं चला कि कब तीन के तीन बल्लेबाज वापस कोयलन चले गए। जी 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 बिल्कुल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, उसके बाद जो पारी खेली विराट कोहली और केएल राहुल ने ना, ये बताया कि इस बार जो भारतीय टीम है ना वो अब तक की सबसे क्वालिटी वाली पारी है। स्कोर है 83 आफ्टर 11। जी हाँ, 11 की समाप्ति के पश्चात 83 है। शिवा एक बार फिर से बॉलिंग में, पहला ओवर अच्छा था, विकेट निकलाया, साथ ही साथ वो रन्स पे करा रहा है कोहली की रफ्तार है इस गेंद पे जी सर, और करारा प्रहार इस बार सीधर दे के जाएगी आधा डजन रन बिल्कुल छक्के के लिए। लास्ट ओवर में आप बल्लेबाज को ओवर पिच हेड नहीं कर सकते जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बैकफुट पे भी तैयार है, फ्रंट फुट पे भी तैयार है, वो हार्ड हिट के लिए तैयार है। उनके बल्ले का ग्रिप देखिए आप, वो बल्ले की ग्रिप आप देखेंगे तो पता चलेगा दोनों हाथ है ना उनके बीच में, उन्होंने गैप रखी है। इसका मतलब ये इस बार वो स्टाइलिश से सिंगल डबल पे नहीं, वो बड़े शॉट पे बिलीव कर रहे हैं निश्चित तौर पर। कितना भी सही है बिल्कुल, आपको ना थोड़ा सा चेंज आप पेस पे बिलीव करनी होगी, थोड़ी सी शॉर्टेज बॉल लेके जानी होगी, थोड़ी सी आसमान के बाहर रखनी होगी, आउट ऑफ रीच रखनी होगी, कुछ इस तरीके की गेंदबाज चाहिए होगी। ये देखिए इस बार आपने कहां रखी गेंद, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखी, शानदार गुड लेंथ गेंद, बल्लेबाज थोड़ी सी यहाँ पे गेंद ढूंढने में नाकाम रहे, केवल अभी भी रन अटका हुआ 93 पे। 12वां ओवर जारी शिवा जी के द्वारा, शुरुआत अच्छी हुई इस ओवर की, पहले पे चौका, दूसरे पे छक्का, और ये भी कड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी छह है, बड़ा शॉट ये शानदार। सभीरों के बल्लेबाजी देखिए 31 में पहुंच गए, इतनी जल्दी वो 31 मूव कर गए जिसकी हम बातें कर रहे हैं, फिर से खोद के निकल रहे गेंद को, ड्राइव किया एक्स्ट्रा का विक्रम, गेंद है वहां पे अमन तैनात, तैयार जरूर लेकिन एक पर सिंगल, सिंगल रन पे, और नाउ फाइनली स्कोर मूव ऑन 100। यस इट इज एक्सेलेंट ओवर सो फार एज फार एज द महावीर 11 साइड इज कंसर्न, दे हिट कपल ऑफ बाउंड्रीज, कपल ऑफ ओवर बाउंड्रीज, लंग विद वन बाउंड्री एज वेल। Siba is such a shoe pocket. Badly to bowl in the right areas, but both the batter. They're also getting ready for the biggest one this time. Just a two on the way, and past two was the back on his qualify single. Will they move for the couple of runs? No, they are just satisfied with one single. So another single in the over as well after 12. 101 for 5. 12 की समाप्ति के पश्चात 101 पे 5, अब यहां से पारी के मात्र 3 ओवर का खेल बाकी है, एंड लास्ट 3 ओवर्स इज बीन द डेथ ओवर्स, एंड लास्ट 3 इट्स बीन अ वेरी क्रूशियल फॉर बोथ द साइड, बैटर साइड, बॉलर साइड, ओह इट्स अ ह्यूज क्राउड अराउंड द ग्राउंड, मोर देन 50,000, मोर देन 50,000 पीपल्स, मोर देन 50,000 ऑडियंस,
they are witness in this mega final. 101 runs so far in the 13th extended, so it's a 12 over gone. Right and left combination, it's been a very crucial time. Right left combination always be very beneficial for the batting side, and with the problem for the bowlers as well to maintaining their line and length. But captain comes back to the attack in his third over. He got a couple of wickets in his last over. Oh, it's a big miss from the keeper. Last 17 balls so far. Last 17 ball will remain here. 101 run. Terrific bowling. Excellent field by each and every fielder. Goes for the big one. And it's out of the park for six. Now this time, Siva did a brilliant job with the bat. Super connection. Just converted with the one biggie here. Now it's going 107. Goes for the biggie one. It's out of the park. It's a shortest ball and Siva is ready in his back foot. He pulls and pulls well for six. It's a biggest six in this event so far. 112 meter. What a connection, what a elimination. A pull away for six. Two biggest in the over so far. Now it's come over 113. There's still 15 more balls. 15 गेंदे अभी भी बाकी हैं. पिछले दो छक्के ये बताता है कि अब ये बल्लेबाज बॉक्सिंग नहीं गेंदबाजों को. गेंदबाजों को क्या करनी है ये उन्हें मालूम है. लेकिन बल्लेबाजों को मालूम है उन्हें क्या करनी है. ये पीछे थ्री इन रो. Terrific batting from the Siva. What a magnificent blows here. First one over to the bowlers, second man over to the middle wicket. Another one! Four in a row! 24 runs! So far. So far, 24 runs in the over, 4 consecutive sixes. Well converted in a 5th one, Siva. Oh, it's a down the leg, exactly. It's been a wide and wide as well. 126 now. 13 balls remain so far in the inning. And last couple of overs, quite well batting from both the batters, Thabiro and Siva. They look quite dangerous here. Especially in the over, 4 sixes in a row. It's been a terrific one. Leading is up the bat. Will it convert with the wicket? Let's take it. And it's a gone. Finally, damage done. Good comeback from the captain. So finally, after 25 runs,
along with one wicket. It was a big wicket of Sibo. 4 sixes in a row. Last 12 ball, Stalin comes out into center after losing the big wicket of Sibo. Oh, it's a big responsibility. And Thavido's soldier as well, they accepting over all the situations. 4 wickets in a hand, last 12 ball and Buster. They badly need to bowl in the right areas in the last 2 overs. So finally, Sitaram comes back into the attack. It's a wide. Just beat out down the leg. Good catch by the keeper. It's a 5-man working in the boundary. It's quite like deep mid wicket. Long on, long off, and a deep extra cover. They are working in the boundary. And a 5-man inside the ring as well. Shot and pull! It's a 6. It's a higher hand, but it's a massive one. Oh, it's a great ball right up into the block. Good comeback from the baller Sitaram after spending 7 runs in this over so far. In the first ball, it was a wide one. Second one, it was a short distance pull for 6. And third one, in a better line, better land. Goes for the big one. It's in the air and it's gone. Another good second from the big field wicket. Thabiro. He contributed 38 runs. Terrific innings from Thabiro. Exactly back to the pavilion, but he did extremely brilliant work with about 38 runs contribution. Sukesh Hira and his partner Talim. And 7 down so far with just 133 runs. Last one over will remain after the over. A couple of moment is going on there in the boundary line. They accept, you know, this the batter as a left hander. So he quite prepared to patrolling in the onside. Outside off, went for the cut, just beat away from the ball, batter. Sleeve, gully and backward point, along with the keeper. Spoorman just walking behind the wicket. Extra cover, mid off. It's not a proper connection, ball in just some time here, but it's no damage done. Another single, is come up on 134. For 7, Sitaram. Hello. Great comeback. Now Talib is on his strike. Badly need to go for the biggies. 3 wickets in hand. Should be calculated risk. Well found the fielder. And it's one bounce carry to the boundary for 4. 138. Thank you.
So finally, end the over with the boundary after 1438 for 7. Last 6 balls will remain here. Sibo has comes back to the attack in his last over. First over it was an excellent one. Second over he spent much runs. And last over, it's been a more important part for the side. And don't forget about the drone camera. It also covers to each and everyone. Audience, com box, and many more. Down the leg, and it's a wide. Yes, it is. बाल-बाल बच गए, ये बहुत मुश्किल हो सकता था। सीधी जो ड्रोन कैमरा है घुस गई थी कॉम बॉक्स के, और हमारे कमेंटेटर को कैलाश भाई को दो तीन ब्लड आ गए उनके चेहरे पे, कट लग गई है, ब्लड आ रहे, लेकिन यहाँ पे छक्के हो गए। ऊपर फिर से गेंद डाल दी, वो गलती कर दी आप, यहाँ पे वो अंतिम ओवर में लेंथ नहीं दे सकती आप। यर्कर खोलने जाएंगे वो फुल टॉस पे कन्वर्ट करेंगे, ओवर पिच पे कन्वर्ट होगी, 6 पे कन्वर्ट होगी। काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे कैमरा में, लेकिन उनके वो ऑपरेटिंग करते समय वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो नहीं पाया, बल्कि स्पीड से जो कि वो सीधी जो है उनके ड्रोन कैमरा जो है वो सीधे कॉम बॉक्स में घुस गई। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद पे 6 कनेक्शन देखने को मिला, अच्छा शॉट था वो। एक और बार हैमर डाउन दिख रहा है, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के भीतर है, अच्छा फील्डिंग देखने को मिला है, बचा लिया अपनी टीम के लिए शानदार थी इधर। ये जो फील्डिंग है ना जिसके हम बातें कर रहे हैं, आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर है तो फील्डिंग की वजह से है। फील्डिंग कितना क्रूशियल रोल प्ले कर जाता है, इसका इंपोर्टेंस कितना है, अब आप समझ सकते हैं। ये 4 में कन्वर्ट हो सकती थी, लेकिन फील्डर का काम आप देखिए कितना अच्छा काम किया वहां पे, उन्होंने 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। शॉट का जो पावर जनरेट किया था वहां पे बल्लेबाज ने वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सीधा शॉट खेला था तीर की तरह, 46। लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने अच्छा काम किया, इसको जा पहुंचा 146। अंतिम के वो 4 गेंदें जबड़े पे लगी है, लग रहा है, देखना है कि क्या कहते हैं। जी नहीं, बल्ले के साथ जबड़ा और उसके साथ विकेट भी। हेलो गाइस, टीम पार्टी स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रहा हूं Pavilion. Skutu. On a strike. Last three ball, 146 runs so far. Timing was not good. The ball is on air and oh. Another puts down from the fielder. At Nogoff. Aman, one of the longest player, one of the highest player of his team, almost he just raced to the ball, but last moment he went with some stylish guesses, just went for the front dive and pushed down. Last 2 ball, biggie, exactly, it's a massive one over to this squad. 2nd pitch in the over. Thank you.
153 now. Last five over. It's a crunchy one for the batter. Short and full again. It's a massive one over to this quality. 3 sixes in the over. 150 runs. 160 to win. It's a finally perfect batting from the batter. And got the momentum as well. 159 runs on the board and 160 to win. We'll be back very soon with the second inning. Till then, enjoy the cricket and the finale between the Power and Buster. दर्शक बंधु रन 160 टार्गेट टार्गेट महावीर इलेवेन रखी व्यस्त एकादश भाई 160 रन डगआउट खाली करी दियंतु बस्तर एकादश डगआउट खाली करी दियंतु ऑडियंस बंधु कमिटी मेंबर बंधु मान को ना घोषणा करबा पाए चाहे हेजम दीपक सर डॉक्टर उमेश सर कमिटी मेंबर कामेश्वर सर आशीष सर शुभेंदु सर राम बाबू सर बापूर्वा सर रिंकू सर सतीश सर विनोद सर हरी सर पॉलिस भाई सर एवं डॉक्टर महेश सर पीसी राम सर नलसाई सर शालिक दास सर शिवलाल सर रतन सर कृष्ण सर लक्ष्मण सर लक्ष्मण मकाम सर वसंत सर भानुराम सर डॉक्टर गुप्ता सर यशु सर दीपक राय प्रतीक सर गगन सर नितेश सर दिलीप सर प्रसाद सर खास करके धन्यवाद देवी समस्त ऑडियंस बंधुमान को हॉकी संस्कार खेल को देखा आज मोर अनेक अनेक धन्यवाद सुमंगल हार्दिक अभिनंदन कमिटी भाई का ना घोषणा कमिटी मेंबर माखन लाल हेम लाल धनराज भाई महेश्वर भाई मधा भाई शिव भाई वासु भाई हरि भाई बलदेव भाई मधुलाल भाई सर सुशील जी करंदर भाई देवदास भाई कपिल भाई देवेंद्र भाई दीना भाई महावीर भाई ग्रामलाल भाई मुकेश भाई रीना महेंद्र भाई भाई
पवित्र ब्लॉक चैनल पवित्र ब्लॉक यूट्यूब पवित्र ब्लॉक यूट्यूब पवित्र ब्लॉक ड्रोन के काम पवित्र ब्लॉक ड्रोन भी तो टचाई रहते हैं कपे हवे ई खेल को पता उतर की बारे इसी भावे सब को हरे करे खचना हां सब को को हेती दिवाली पवित्र ब्लॉक हमने बारहवें ओवर पे तीन छक्का देखा हमने 15वें ओवर पे 13वें ओवर पे हमने चार छक्का देखा था और 15वें ओवर पे तीन छक्के देखे अंतिम के जो पांच ओवर में है ना यहाँ पे रनों की बारिश देखी हमने बड़े बड़े छक्के देखे आती सी पारियां देखी चलिए थबीरो तैयार है गेंद लेकर रमन के लिए पारी की पहली वो पहली गेंद पे चलाने की कोशिश आस्तम के बाहर बिल्कुल सही लेंथ को पकड़ा है लाइन भी अच्छी पकड़ी है
almost 11 runs per run. So first run comes on the board with a cheeky single. Just using his reflex to wicket. Huge crowd. It's looking like a one quality ball. Event, like an international ball. Event. Ball. Superb one. Inside out. Carriage to the boundary, one bounce. What a shot. Superb one. जर्सी नंबर नहीं है सर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्यारी से अपील करना चाहूंगा, बाउंड्री के नजदीक बैठे हुए हमारे दर्शकों से, ओ मनोज, इज इट मिस यू? यस, इट इज मिस यू। ही फाउंड द फील्डर। Salim is walking towards the cover and first damage in the very first over. Fielder check nahi kari is baar. Wo fielder ko protection di gayi thi. Ek baar phir se khula pada hai field. Bilkul wo deep pe protection di gayi thi. Wicket diya gaya. Ek bade ballebaz ka ek leader ballebaz Manoj ka wicket. Shot ka selection utna behtar. सिलेक्शन बेहतर था लेकिन वो जो गैप थी ना वो खोज नहीं पाए। दो खिलाड़ी शुरुआती चार ओवर में और उन दो में से एक को ढूंढ लिया। इस तरीके से पहला झटका लगा है बस्तर की टीम को 160 रन करने इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये काम आसान नहीं है। ये जीते कर रहे हैं ना, इसको जूम कर करो, जूम। पहले ओवर में विकेट छटकाया यहाँ पे था वीरो ने। दूसरी गेंद आसन के बाहर मिली, डील यहाँ सिकंद की, स्टेट करते गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, चार रन मिलेंगे। खूबसूरत शॉट ये, नजाकत। Nine runs so far, along with one crucial wicket of Manoj. And last day's wicket was just a cheeky one. He played a lead and he played in the gap as well to behind the wicket for four. Couple of boundary in the over so far. After one over, nine with a loss of one crucial wicket, Manoj. एक बड़ा विकेट यहाँ पे हमने देखा। आस्तम के बाहर जो गेंदे हैं उसमें वो बहुत शानदार शॉट खेलने में महारत, लेकिन पहला शॉट को पहले शॉट में फील्डर नहीं, लेकिन दूसरे शॉट में वो फील्डर को ढूंढ लिया। वहां पे तालीम को फील्डिंग के लिए वो प्रोडक्ट, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बस्तर को। एक बड़ा विकेट गंवाया उन्होंने, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। 15 ओवर में 160 रन चेस करने हैं, अंतिम के 5 ओवर में वो मोमेंटम जो है ना वो महावीर ने ले लिया। जिस तरीके से लोगों की बारिश कर, शुरुआत 11 ओवर पूरा कंट्रोल बस्तर का। अच्छी गेंदबाजी देखी हमने, फील्डिंग अच्छे काम भी देखे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो शिवा का बल्ला चलाना, वो चार जो छक्के कप्तान को लगाए वहां से वो मोमेंटम मिला। उसके बाद हमने तालिम से भी छक्का देखा, उसके बाद हमने वो अंतिम बल्लेबाज से जो छक्का देखा वो तो और भी लाजवाब था। तो शॉर्टेस्ट गेंद को जिस तरीके से उन्होंने पुल मारा, बेहतरीन शॉट्स देखने को मिला। जी हाँ, और इस तरीके से वो टीम ने 159 रन कर लिए, 160 कर रही है अभी इसको। देखिए दर्शकों को जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना, मैदान के चारों तरफ ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बड़ा सा मेला लगा हुआ। आज तक कोई फील्डर है नहीं, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरे को तलाशना चाहेंगे, फील्डर थोड़ी सी दूर है लेकिन बाउंड्री छोटी है कि दूसरा रन खतरे से खाली नहीं, बहुत जल्दी थ्रो जो है वो कैरी कर जाता है। पानी का दूसरा ओवर लेकर आए तालिम, गेंदबाज है ये। इस टीम की अब बातें करें, इनके पास उड़ीसा के रेड
स्पेशलिस्ट बल्लेबाज जिनका नाम चलता है समाजी, हालांकि आज इनके बल्ले से हमने एक भी रन नहीं देखा, तो दर्शकों के वापस गए। सीबा का चला हमने सभी को वो पारी करते देखिए, बच गए, बाल बाल बच गए। रीक्शन समय कम होता है यहाँ पे, इतने नजदीक होते हैं ना पे, आपको ये गेंद को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होता तो ये विकेट पे कन्वर्ट हो सकती थी। अच्छी गेंद थी अकॉर्डिंग टू द फील्ड, वो गेंद रखी थी आसम के बाहर रखा था, थोड़ी सी वो बल्लेबाज को आमंत्रित किया था कच के लिए जाए, कच लेस ये थोड़ी सी हार्ड आनी चाहिए। अच्छा शॉट है, गैप में गेंद बाउंड्री की ओर है, चार रन आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे चार रन, बिल्कुल अपनी डगआउट की ओर भेजा वहां पे। पे जो पे ये और भी रोमांच ला देता है। ये T20 क्रिकेट आया, जब से IPL आया उसके बाद वो क्रिकेट के फॉर्मेट बदल गए, क्रिकेट का रोमांच बदल गया, क्रिकेट को एंजॉय करने के तरीके बदल गए हैं, और उन तरीकों को यहाँ पे जीते हुए नजर आ रहे हैं। एक और साथ रहा है, बाउंड्री के बाहर, अच्छा है, बैक टू बैक बाउंड्री। ऑडियंस बंदोबस्त को निवेदन की साइड ही की था तो कॉमेडी भाई टिकट देखो तो चारी आड़े टिकट बोला तो बिल्कुल निवेदन होगा कि आप बाउंड्री के बाहर अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये जो महायुद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध में आप घायल ना हो भाई, ये बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो फील्डर है ना, जिस फील्डर से भी आपकी मुलाकात हो रही थी, ये वही फील्डर है जिसने भी अब ये चार छक्के लगाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक खिलाड़ी है। वो आपके ऊपर कहीं गिर गया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच के रहिए आप इनसे। कदमों का इस्तेमाल, फिर से शानदार ड्राइव, लेकिन उतने मुस्तैद वहां पे मिड ऑफ रखा है, मिड ऑन रखी है, बैकवर्ड पॉइंट रखा है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखी है, डीप से वो कवर रखा है, गली रखी है, शॉर्ट फाइन लेग, साथ में वो टेक मिड विकेट, ये फील्डिंग की प्रोटेक्शन है। ऑडियंस बंधुबान को थोड़ी थोड़ी अनुरोध, अपन माने बाउंड्री छाड़ी के दुई चार हाथ बाहर था तो दया पूर्वक आपण मान को अनुरोध बा कमिटी भाई टिके तदारक करंतु, कमिटी भाई को अनुरोध आपण माने टिके तदारक करंतु परिया पडियार चतुर्पार्श्व रे। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ, 18 रन आ गए, विकेट का एक नुकसान भी हुआ है, लेकिन यहां पे चला बल्ला कर दिया है हल्ला चेहरों के लिए। थप्पड़ सा मारा है 6 रनों का, दूसरे पे क्या करते ये भी देखना है। भी निकल गए, ऊपर रखेंगे गेंद तो ये मार पड़ेगी, थोड़ी सी दिशा और दशा दोनों बदलनी होगी, गेंद की लेंथ को गेंद की लाइन की लेंथ जो है ना वो बहुत खराब। ये यहाँ पे तीन गेंद है पूरे 16 रन, ओवर 34 पे
देखिए ना, ये गेंदबाज, गेंद और फिल्डर, ये तीनों के साथ खिलवाड़ करी बल्लेबाज ने, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दो छक्के चीकी है ये और बैंड से बजा के रख दिया है अमन देंगा आजा, इस नाम से जाने जाते हैं बस्तर में वो। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दो छक्के लगाए, तीन चौके लगा चुके हैं, अंतिम गेंद फेंकनी बाकी है। और वो देखिए हमारे कमेटी के मेंबर्स को तीसरे की सुन, बहुत शानदार। अंतिम गेंद को फुल वो डिफेंस में लिया, बायां पैर लाया, साथ में बल्ला लाया और ओवर को डॉट के साथ समाप्त करी है। लेकिन इस ओवर को एक्सपेंसिव पे तब्दील भी किया है, तीन चौके 12, दो छक्के 12, 12 और 12 24 रन, कमाल की बल्लेबाजी। समाप्ति रन के समाप्ति के बाद तीन की समाप्ति के पश्चात 42 के नुकसान पर बेहतरीन बल्लेबाजी। अब ओवर का खेल बाकी है और इन 12 ओवर में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 118 रन चाहिए। 72 गेंद 118 रन, क्या कमबैक कर पाएगी महारानी 11, ये देखना बाकी है। हालांकि बहुत कुछ होना बाकी है, क्रिकेट की जो रोमांच है वो बहुत कुछ देखा होगा। इसका नौ ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला लगा कि ऑस्ट्रेलिया वो भी आपकी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, लेकिन आपने देखा वो चमत्कारिक डबल सेंचुरी वहां पे 128 बॉल पे 201 नॉट आउट, अब तक के सबसे बेहतरीन पारी मैक्सवेल की। वो क्रिकेट है ना, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, कब किस समय क्या कर जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तब्दीली ओवर को लेकर आए फिर से तालीम, पहला ओवर अच्छा था, दूसरे को एक और बार बेहतर करने की कोशिश के देखना वहां पे कुछ है, आउट जरूर है, लेकिन एम्पायर का इशारा क्या है इस पे हम जरूर बात देखना चाहेंगे। साउट किया है, लेकिन वो साउट जो है वो चिल्लाना है का जो काम किया है, क्या एम्पायर पे असर लग रहा है। उनका कहना है कि गेंद जो है ना वो सोल्जर से गई है, बिल्कुल पहली नजर वहां पे एम्पायर की, पहली नजर एम्पायर की, और एम्पायर की पहली नजर से आप नहीं रिस्ट के आसपास तक यदि गेंद होती तो आउट जरूर मिलता, लेकिन बिल्कुल गेंद जो है वो सोल्जर से गई है और इस वजह से वो नॉट आउट कॉल आया है देखने को मिल रहा है। जिसने किसी कौन सा जिस तरीके से एम्पायर के वो जो काम देखने को मिल रहे ना, ये बता रहा है इस इवेंट में हर चीजों को कितना ध्यान रखा है मोर्न ने। हमारे जो एम्पायर हैं इस वक्त हेमराज और उनके साथ महेश चल, ये खराब गेंद है, ये वाइड बॉल है, ये स्ट्रिक्ट उछाल के साथ गेंद की कोशिश की, हालांकि बाहर रह गई थोड़ा सा बल्लेबाज के फोन से दूर रखने की कोशिश। और ये का मुकाबला इस एक रन के साथ इसको जा पहुंचा है 43 क्षमा चाहे हम, ये जो वाइड है ना वो भी टोटल होगा इस रन 40 रन। कमाल, वो कमाल की ग्रिप देखिए, है बताओ दी क्राउड है, चार है, सुपर को बीट कर, क्या यहाँ पे एक फील्डर को लंबा पे लाने की जरूरत, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और यहाँ पे काउंट बिहाइंड का थोड़ी सी अपील होता हुआ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं,
बेहरा वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर बेट करने की कोशिश करते हुए नदी के खिलाड़ी को थोड़ा सा दबाव जरूर वहां पे बनाने की कोशिश करते हुए अंपायर्स पे। और जैसा कि आपने बताया कि पूरे थ्रू आउट द इवेंट जो एम्पायरिंग रही है वो क्वालिटी एम्पायरिंग रही है। पिछले चौका वो उतनी शानदार था, बिल्कुल कड़क वो तीर की तरह बिल्कुल सीधा फील्ड की पाबंदी फैला दी जाएगी। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की गेंदबाजी होती है, क्या फील्ड पे प्लेसमेंट होते हैं, बल्लेबाज का अप्रोच क्या होगा, ये भी बहुत मैटर करेगा। 47 47 पारी के चौथी ओवर है। हमने तो सात ओवर में कुछ इस तरीके के जब महावीर 11 बल्लेबाजी कर रही थी तरीके से ये पत्थर का अप्रोच रहा है बल्लेबाज, वो रन चेस करने को सोचे तो फैसला ले, उनको मालूम था कि इस विकेट पे 200 रनों का वो भी चेस कर ली जाते, गलती सामने और भी मजा आता है बल्लेबाज करते हुए। क्या दिशा दे दी, दशा दे दी गेंद को 4 रन के लिए। बिल्डिंग ऊपर जो फ्रेंड्स बंधु माने चढ़ी छंती दया पूर्वक हाँ निश्चित भाव में सुनी छंती होते पंचु भाई कमेंट्री हॉल निकट को आसतु प्रेसिडेंट पंचु भाई हाँ बिल्डिंग ऊपर जो भाई मैंने चढ़ी छंती और ले जानतु जल्दी किसी असुविधा हेले कमिटी दायित्व है दया जानतु उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको क्या कुछ करने है, आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना न हो। ऐसा माहौल चल रहा हो ना, एक साधारण क्रिकेट चल रही हो वहां पे हम नहीं चाहेंगे कि कोई अप्रिय घटना हो। शानदार शुरुआत, लाजवाब शुरुआत, पहले ओवर में विकेट खोया लेकिन उसके बाद वो बारिश कर दी, 4 ओवर 55 एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 11 ओवर का खेल बाकी है, मतलब देखिए अभी भी वो 66 गेंदों का खेल बाकी है। अब इन 66 गेंदों में अब इसके लिए 105 और चाहिए, 105 मोर रन टू विन इन जस्ट 66 बॉल, 9 विकेट इन है आफ्टर लूजिंग द वेरी फर्स्ट विकेट इन एनएससी ओवर द एक्स सो फॉर दैट इज समन एक्स quite in third over it collapsed with a 24 runs, couple of biggies, couple of bend up wicket runs, some scoops, fine leg glance and many more, and fielding in the placement it was not right for the captain of Mumbai City. Number 4 the fifth over Aman is on a strike and his partner he also contributed pretty well so far with Aman Bala. There is such a batter. It's just the number is it. It means his power appeared with Virat Kohli. But what a reverse from Aman. And captain is exit, you know there. He played so many times in the soft like that. That's why he flashed one fielder to bend the wicket. Now 5 men walking in the boundary, deep mid wicket, behind the wicket, it's tip fine leg, long on, long off, and deep sleeve, gully, the quick point, short extra cover.
four men walking inside the ring. Then Kutu. Then he's bowling. But strike. Went for the sweep. And just missed the line. No need to be attempting stroke like that. Just we go with the sensible swords. Believe in singles and doubles. While you get some loose duress, you should be put it on boundaries and over boundaries. Terrific walk with the ball in his first team. It was an excellent one from each and every fielder from the first person. Last five over, they lost the momentum. They spent so many runs. Again, to behind the wicket. It's more than 20,000 audience. It's a big occasion, Diwali. Everyone celebrated Diwali as well as the biggest event of the cricket at Mohan. Every year, each and every year. Sweet connection! Just passed to the back with point for four. Jagatraj. With the ball is come up on a 60 with a loss of terrific. The steer between the point and belly for four. Sweetie. Just went through the legs. It means another single and the move. Pretty hard for the first one. Just build the pressure and move for the couple of as well. And with this two is come over 62 now. Just 98 more than 98 more runs to win in the 10 over. After 5, one. Last start ke door, wo bahut crucial hote hain. Unme se jo pehla 5 over wo aur zyada crucial hota hai. Aur us 5 over mein mujhe lag raha hai Bastar ki jeet hui hai. Matra wicket kamaye hain 5. Ab 10 over hai na. Yahan pe ab 60 gendon ka khel baki hai. 60 gendon mein ab is muqable ko jeetne ke liye 98 run chahiye. 9 wicket ke haath mein hai. इस विकेट की मिजाज देखिए, बॉल को देखिए, तो मुझे लग रहा है महावीर के 30 है, जिस तरीके से कंडीशन की बातें कर रहे हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा महावीर 11 को। चलिए एक मिस्ट्री गेंदबाज आए हैं। हिस्ट्री आप देखें तो पिछले मुकाबले पिछले सीजन में इस गेंदबाज ने कमाल किया था भाई, लेकिन यहाँ पर छक्के के साथ शुरुआत के लिए ऊपर मेरी गेंद चला बल्ला और कर दिया हल्ला इस बल्लेबाज ने। इस तरीके से बल्लेबाजी चलती रही ना, बस्तर जो है दो तीन ओवर पहले ही मैच जीत जाएगा। ये विकेट के पीछे यहाँ पर भी चार है, दो गेंद 10 रन। टू 72 72 रन आ गए भाई इस चौके और छक्के में। ये बता दिया है कि मंच वो रुकने वाले, वो चढ़ के खोद के निकाला है और आसम के बाहर थोड़ी रूम बनाने की कोशिश की थी, बस अब वो ऑनसाइड पे ढकेला था। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, देखता है एक बार फिर देखिए मौड़ के लगी जिया, चार रन मिलेंगे। देखिए सर इस बहते नदिया को बांध लगाना होगा, जरूर लगाना होगा। कैलाश भाई थोड़ा फील्डिंग जो है ना वो पैना पर नजर नहीं आ रहा है, कंधे थोड़े से उतरे हुए नजर आ रहे हैं फील्डरों के,
बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार शॉट पॉइंट की दिशा में बॉल सिंगल के लिए निकाले हैं और इसी सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 7। बल्लेबाजी कर रहे अमन, ओ कितनी शानदार ड्राइव है, बिल्कुल बाएं पैर गेंद के लाइन पे आया, बल्ला साथ में चलाया बल्लेबाज बाला ने। ये तकनीक रूप से सक्षम है, ये इनके पास स्टाइलिश शॉट भी है। ओवर की समाप्ति है और पारी का ये छठा ओवर है, छह की समाप्ति के पास साथ स्कोर है 78। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है, दम करके रखा है गेंदबाजों को, जो भी गेंदबाज आ रहे हैं करे उनसे। समाप्ति के पश्चात एक विकेट के नुकसान पे यहाँ पे बस्तर, अब पारी के 9 ओवर का खेल बाकी है, 54 गेंदों का खेल बाकी है। प्रिय दर्शक बंधु, आज ही ठीक 10 घंटे का समय रेवड़िया नाटक आप लोगों ने बहुत संख्या में योगदान देते सही नाटक रहा। गेंदों पे प्यास ये रणास्तम गेंद पाए फेरी बोकी बहुत सुखा सफर, दर्शक बंधु बहुत संख्या में योगदान देते आज ही रात ठीक 10 घंटे का समय रे तो बेस करिया पाए वो निश्चित बहुत संख्या में योगदान देते दर्शक बंधु। चीकी शॉट खेलने की कोशिश, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, ये देखिए ये गलती कर दी बाला ने, जब आपका साथी अच्छा शॉट खेल रहा है। दूसरा विकेट गिरा, पहला विकेट चल दिया गया था 6 पे और उसके बाद ये 72 रनों की साझेदारी और के बीच अब नए बल्लेबाज राहुल आए बल्लेबाजी करने के लिए, अमन का साथ देंगे, अमन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बस्तर अभी भी इस मुकाबले में यदि आप बातें करें 82 रन पीछे है, अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 82 रन चाहिए, 82 रन चाहिए मिलाकर 15 ओवर में 60 कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या यहाँ पे बस्तर जो है एक और साझेदारी कर पाएगा या फिर महावीर इलेवन की जो विकेट निकला है इससे वापसी में तब्दील करता है कि ये देख रहा है ऐसे गेंदबाजी है। जर्सी नंबर 7 के साथ प्रारंभिक बल्लेबाजी की कमान संभालते हैं, यहाँ पे गेंदबाज के कमान संभाल रहे हैं। बाएं की कोशिश थी, गेंद के करीब आने की कोशिश थी और उसी आन साइड पे वो क्लेम के सहारे मोड़ने की कोशिश की, बल्ला पहले मोड़ा, गेंद थोड़ी सी लेट आई बल्ले पे, एक समय यदि वहां पे नजदीकी खिलाड़ी होते तो शायद वो कैच जरूर लेते, लेकिन कोई खिलाड़ी दे नहीं रहा, इसका फायदा मेरा बल्लेबाज को सिंगल पे कन्वर्ट हुआ है। बचा लिया, खराब शॉट कर रहा था यहाँ पे, जरूरत ही नहीं कैलाश यहाँ पे अमन को शॉट की, जब सीधे बल्ले से अच्छे शॉट आ रहे हैं ना तो हर बॉल को हर गेंद को अपना आड़े पीछे शॉट में कन्वर्ट ना करिए। अभी लेते हैं सीधे रन करने की, अभी अभी आपने विकेट कमाया है तो आपका सेंसेबल बल्लेबाजी करने को, ओवर की वजह यहाँ पे बॉल बॉल दिया तो दो गेंदे भी मार दिए, जी हाँ लास्ट टू बॉल बोल नहीं दिया वो 79 रन सो फॉर द लास्ट ऑफ विकेट कम बैक फ्रॉम द महावीर। यहाँ पे कैलाश महावीर की एक समय ऐसा लग रहा था काफी रन आ रहे हैं दूसरे विकेट के पार्टनरशिप को, लेकिन उसके बाद बाला का विकेट निकाला, फिर बाला के बाद यहाँ पे अमन जो कि 42 बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट निकाला, अब यहाँ पे जो मैचेस है ना जो 30 की बात कर रहे थे अब 50-50 पे कन्वर्ट हो गया। निश्चित तौर पर 50-50 का चांस दोनों के लिए कहीं भी जा सकती है ये खेल।
और जो जीतेगा 1000 रुपए के साथ सब सवाल ट्रॉफी और रनर के लिए 30000 रुपए ट्रॉफी। मैनेजमेंट यहाँ ओ बहुत ही खूबसूरत गेंद को कट कर दिया, गेंद बाउंड की तरफ जा रही है, बॉल उसके लिए गेंद को रोका ना, गेंद बाउंड पर सूरत शॉट भाई काय किया बेटा ऐसा बजाई बैठ रे ई बैठ रे सलाह के फेफड़ा में घुस जाए और स्कोर जा पहुंचा है 83 पर इस चौके के बाद आस्तम के बाहर विट मिली बल्लेबाज को बिल्कुल अपने तक आने दिया, गेंद को लैंड कर किया पॉइंट के बीच में से गेंद बाउंड्री पर चार रन के लिए, एक और बार फील्डर के हाथ में विकेट। देखा था इसको ठीक है, एनालिसिस करें तो यह पता चलता है कि जो महावीर है वो 7 ओवर में 49 पे थी, यहाँ पे आप देखिए वो 34 लेकिन विकेट की बातें करें ना जो पिछले गेंदबाजी में किसको लाएंगे ये देखना है। अच्छा कमबैक दर्शकों के लिए एक शानदार इवेंट, सिबो अगेन कम्स बैक टू द अटैक। So after losing the 5 crucial 4 crucial wickets, comes back to the attack. Spent expensive over his last one, but two new batters comes out into the center. Sivak ball just bowled in the right area. The power defender back to the bowler. Huge ground. It's more than a 50 crowds here. Mohan Lal will be a very special, especially in the final encounter. They manage it everything quite well. Every member they work pretty hard throughout the year for this event. Just went back to the is and taking it towards the long arm for single. Or the honorable. Chief guest of the final encounter will arrive very soon here. We're expecting his gladly present. Vidhayak Sri Jukta Tyananda Gautam Apaghanare Alpa Samayare Upasthit Hebe Taku Swagat Kariki Anantu पाछड़ी नहीं किया सतु एमएलए सर को श्रीयुक्त नित्यानंद गंड सर को शानदार ये मुकाबला फाइनल ये ये देखिए सॉफ्ट रन के दौड़ पे थी सिवा ये चाहिए ना, अब आपको ना एक पार्टनर से बिल्ड करने की जरूरत है, पहले आप अपने आप को एक प्रॉपर पोजीशन पे लेके आए, पहले आप बैट ले क्योंकि नहीं बोलो था एक अच्छी शुरुआत दी थी, हालांकि पहले विकेट पहला ओवर में आया था लेकिन उसके बाद वो शानदार साझेदारी देखी हमने 72 रनों के दूसरे विकेट के लिए, उसके बाद देखते देखते 3 और विकेट का नुकसान हुआ, हार रहता है वो भी गए, वो थोड़ा सा अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश की कुछ इस तरीके के साथ वहां पे पाला के भी देखी लेकिन यहाँ पे देखिए बाउंड्री के बाहर है और ये 6 रन है।
विधायक माननीय नित्यानंद गोंड जी का आगमन होने जा रहा है और आप देख पा रहे हैं अच्छी काजी के साथ का स्वागत होगा वो से गेंद बड़ी की कोशिश बैकवर्ड से लेकिन गेंद उतनी तेजी से छाती भी अब प्लेसमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं एक अच्छा ओवर यहाँ पे हालांकि एक बड़ा छक्का लेकिन उतनी अच्छी है समाप्ति कितने पारी का ये आठवां ओवर समाप्त हुआ आठ के बस अभी 91 रन और अब यहां से अभी भी 69 रन 42 बॉल 9 रन 42 और इस वक्त मोहन कमेटी के मेंबर्स माननीय नितिन कर्म जोशी काजे के साथ करते हुए स्वागत के आप करें तो अतिथि देव हो ये हमारे स्वागत नित्यानंद गोंड जी स्वागतम 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 नित्यानंद गोंड जी स्वागत Brings as soon as possible inside the ground. 7 overs will remain here. 42 balls, 69 runs to win, 6 wickets in. Last couple of overs, the drama creates here. Everyone enjoying a lot. And our MLA is arrived here finally. Honorable Nityanand Gond. The popular MLA of all reason. Each and every member of the committee, really they are doing a great job in last 1 month for this event. Supreme encounter in the final between Bastar, Chhattisgarh and Mahabir 11 Odisha as well. और इस बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय नित्यानंद गोंड जी का आगमन हुआ है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कमेटी के मेंबर्स ने उनका गर्भदोषी के साथ बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। चलते एक बार फिर से मुकाबले की ओर। अब यहाँ से इस मुकाबले की बातें कर रहे हैं आप बस्तर 11 जो छत्तीसगढ़ की हमारी टीम है फाइनल के मुकाबले में टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत के 11 ओवर में कमाल की गेंदबाजी करी रन पे अंकुश लगाए विकेटों की छड़ी लगाई लेकिन अंतिम के 4 ओवर में थोड़े से रन लुटाए 159 करने दिया महावीर 11 ओडिशा को। बड़े बड़े बल्लेबाजों को विकेट जल्दी निकाले 160 के जवाब में शुरुआत इतनी शानदार रही हालांकि पहला विकेट जल्दी आ गया था लेकिन उसके बाद दूसरा विकेट के लिए वो शानदार पार्टनरशिप हमने देखी वाचुआ एक बार फिर से गेंदबाजी में बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूशन है गेंद से कुछ विकेट निकाल के देनी होगी सिवाय बैटिंग पर स्ट्राइक पे एक बहुत ही शानदार स्टेज आगे खाली कर दे तो कॉन्फिडेंट पे आसम के बाहर है कट करने की कोशिश है बियॉन्ड द विकेट कॉट बियॉन्ड की शॉट है देखना वहां पे क्या है क्या ये आउट है जी रे नॉट आउट है बोला देख रहे हैं मुझे हालांकि कैच को यदि आप जूम आउट देखें बिल्कुल भी सामने गेंद बल्ले से रुका भी नहीं था गेंद लेकिन बहरा का काम आप देखिए फिजिकली परफेक्ट फिटिंग नहीं लेकिन उसके बाद उनका काम आप देखिए जिस तरीके से बियॉन्ड द विकेट वो कैच कर रहे हैं एज अ कीपर उनकी परफॉर्मेंस उतनी
नजर आते भी ऐसा लग रहा है एक बड़े इवेंट में जल में गेंद तेज गति की खोद के निकालने की कोशिश, लेकिन गेंद की गति देखिए, गेंद की वो पैनापन देखिए आप। एमएस रन बॉल तीन अब तक की सोबर गेंद है, उतनी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे वाशुषे सिवा स्ट्राइक पे एक शानदार पारी की जरूरत है। कदम का इस्तेमाल करने की कोशिश तो भी लगी गेंद बियॉन्ड द विकेट, वो थोड़ी से लॉन्ग लेग को काम करनी पड़ेगी। एक रन का इजाफा होगा और इस एक के साथ इसको जा पहुंचा 92, अभी भी 68 रन चाहिए। के बाद 6 ओवर का खेल बाकी है इस मैदान पे ना, 12-15 रन का जो रिक्वायर्ड रेट है वो भी चेस करने को। शानदार शॉट है, शॉट है, गेंद 4 है, बिल्कुल मिली थी, अब चलाया है यहाँ पे बल्लेबाज ने बल्ला। अच्छा शॉट, थोड़ी सी जो कोशिश कर रहे थे वास्तु उस प्रेशर को रिलीज किया पे बल्लेबाज ने, ऊपर मिली गेंद चलाया बल्ला, लॉन्गर और लॉन्गर के बीच में वो इस ट्रैक पे जो गैप है उस गैप को भेदा, चौके पे तब्दील किया। ऐसे 4 के साथ इसको जा पहुंचा 96 पर, 96 बोले तो 96 वर्ल्ड कप याद आ जाता है जहां पे भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को परास्त करने के बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका से परास्त हो गई थी। जयसूर्या की गेंद स्टंपी में, सचिन क्लैंक का इस्तेमाल, चीकी शॉट खेला है, सिंगल पे मूव किया, दूसरे की सम्मानों को तलाशना जरूर चाहेंगे लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि सबसे तेज क्षेत्र रक्षक सीबो वहां पे तैनात है, जर्सी नंबर 18 जो कि इंडियन का न केवल पूरे इंडियन का बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट जर्सी क्रिकेट के अकॉर्डिंग यदि करें तो आप, विराट कोहली रन मशीन, इस सीजन के वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट रन गेटर। कुछ निवेदन होगा जब आ जाए जल्दी मैदान पे उपलब्ध कराते हैं और आपसे निवेदन होगा पे ये थोड़े से डीजे के धूम सुना है, समय तेजी से उसको एक समस्या हो सकती है क्योंकि अभी भी पारी के 6 ओवर का खेल बाकी है, 6 ओवर मतलब लगभग आधे घंटे के भीतर और संभावना है कि मुक्का होगी तो अच्छा होता, शायद एक्यूरेट होता, शायद थोड़ी सी लाइन भी होती शायद तो फिर होता। इशारा किया रन लेते सिंगल रन का इजाफा हुआ, इक्के दुक्के चौके छक्के ये सभी तरीके के शॉट पे बिलीव करने होंगे। पारी का 10वां ओवर, स्कोर जा पहुंचे 98-4 के नुकसान पे और फिनिश करने की कोशिश थी वहां पे, अपना बायां पैर जो है पहले ही फोल्ड कर लिया, आप गेंद को जिसकी मालूम पर कोई ये शॉट है और परफेक्शन है, फिर मिल सकते ऑडियंस बंधु बॉल जाते दिखे जगह दियंतु बंधुमान को अनुरोध बा जल्दी बॉल जगह देवे, बिल्कुल जितनी जल्दी बॉल दे आप उतना बेहतर होगा, जैसा जैसा समय बीतता जाएगा रोशनी को लेकर समस्या होंगी। यहाँ पे सीवा ने छक्का जड़ा और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है इस छक्के के साथ 104 स्वीट कनेक्शन विद मैच एक्सेप्टिंग टू दैट विद शॉर्ट ओवर एंड इट्स अ मैसिव वन अगेन 2 इन अ रो बैक टू बैक मैसिव। As 50
84 runs to win. 110 runs so far, two biggies in the over. Siva to Siva. And it was a tricky ball behind the wicket. And again, a pass like a bullet for four. Yes, it is. Over for Buster. Two along with the one boundary, this time it's just using the wrist tip flick as well and pitch to the sword. Oh, no need to be the stroke like that. You have a better do with the stretch. You have to go switch it. Needless sword here. 114 after 10 with a loss of 4. 114 साल के नुकसान पे 10 की समाप्ति के पास और यहां पारी के 5 ओवर का खेल बाकी है. 30 गेंदें चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए. एक बार फिर से बस्तर गिरफ्त में लेती हुई इस मुकाबले को, एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाती हुई दूतिया शाम को मिलता हुआ जैसे व्यस्त होता जाएगा. रेड कलर काले वो दिखेगी नहीं, इसमें थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय टाइम चेकिंग के. लेकिन यहां भी गेंदबाज चाहेंगे कि थोड़ा सा समय लिया जाए, अकॉर्डिंग टू द ओवर जाया जाए. चलिए देखते हैं वासु क्या कुछ कर पाएंगे इस ओवर में. अपने कोटे की तीसरी ओवर लेकर आए हैं. शानदार मोमेंट यहाँ पे बस्तर का, 160 के जवाब में जिसके तो वो जवाब दिया है, अच्छा लग रहा है. शॉट है, लाजवाब है, चैलेंज है. दर्शकों को देखिए जिस तरीके से वो झूम रहे हैं, ये बता रहे हैं आज क्रिकेट बॉल है ना, वो मजा आ रहा है. बैक टू दीवार के लिए थोड़ी सी छींटे की गेंद, कॉटन बॉल के समान है नहीं वहां पे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट थे नहीं वहां पे कैरी कर जाएगी. फिर से वो मैच की दिशा दशा बदलती हुई परत भी नजर. छक्के देखे हैं पिछले डेढ़ ओवर में, अच्छी गेंद है. ढीले दीवार खेला, एक रन के लिए खेला और ये सही खेला. हर गेंदों पे आप बड़े शॉट्स के बजाय पर ये भी ज्यादा जरूरी होता है. सेंसेबल बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर्स में सीवा ने दो छक्के लगाकर एक बार इस मुकाबले में वापसी कराई है. और ये शॉट इन बॉल है, आउट ऑफ रीच है, ये 140 ओवर है, लेकिन लीगल बॉल है. जी हाँ, ये सही कॉल है एम्पायर की. हालांकि ये बल्लेबाज का एक्सपेक्टेशन था के साथ वन फॉर आएगी, लेकिन एम्पायर जो है ना वो बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं. इतनी ज्यादा बाउंस थी नहीं कि उसे व्हाइट कॉल करते. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे वासु की. चलिए एक बार फिर से बल्ले का किनारा लगाए, सिंगल रन आएंगे. दूसरे के समानों को तलाशना चाहिए लेकिन एक बार ही संतुष्ट. और इस तरीके से ओवर के अंतिम गेंद 122 के हाथ में. ओ यहां पे एक और डैमेज हुआ है. दर्शक बंधु आज ही रात ठीक 10 घंटे का समय रे ओडिया नाटक आप माने देखी पारी बे ठीक 10 घंटे से ही नाटक टी रहा है. अपन अति संख्या रे योगदान दे की नाटक टी को साफल्य पंडित करिबा हेबे 10 घंटे का आप माने तेज करिबो घंटी का समय है. बहुत संख्या में योगदान देवे रहा है.
फेरी बाकी वो सुखल सपन धन्यवाद। और 122 में पार गिर रहा है। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए रन की आप बातें करें तो यहाँ पे जो हम रन देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे अभी भी 108 के जवाब में भी गिरा, जबकि गेंदबाज भी वो नजर आती थी बियॉन्ड द विकेट रन करने की कोशिश, जरूरत थी नहीं इस तरीके की शॉट की, क्योंकि यहाँ पर एक और विकेट निकलता है बस्तर का तो वो फिर थोड़ी सी मुश्किलें फंस जाएंगे। इतनी बड़ी चोट नहीं ना कि आपको इस तरीके के शॉट खेले, आप सीधे बल्ले से चलाते रहेंगे तो भी एक अच्छा मैच एक कैलकुलेटेड रन करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी को चाहिए कि एक और एक दो विकेट और निकाल के दे। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से फील्ड की प्लेसमेंट करिए, जिससे हम देख पा रहे हैं वो बल्लेबाज बियॉन्ड द विकेट स्ट्रोक अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसे में वो स्क्वायर लेग को थोड़ा सा वो डीप फाइन लेग की तरफ मूव किया है। लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में अपने आप को प्लेस करके रखते हुए वहां पे शिवा, लेकिन शिवा नहीं वहां पे दूसरे खिलाड़ी हैं, जबकि शिवा है मिड विकेट पे। धीमी गति की गेंद, धीमी गति की गेंद टेस्ट किया बल्लेबाज को। लॉन्ग ऑन देखिए, लॉन्ग ऑफ देखिए, डीप कवर देखिए, डीप मिड विकेट देखिए, एक लॉन्ग लेग वाइडिस फाइन लेग ये देखिए। ये पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं आपको। कमाल की यहाँ पे क्रिकेट दर्शकों के लिए फाइनल इवेंट है ये मोहन का। दर्शक देखिए आप जिस तरीके से मैदान के चारों तरफ खचाखच नजर आ रहे हैं, ये देखते ही बन रहा है आस्तम के बाहर ये गेंद। और ये नो बॉल कॉल लग रही है, एम्पायर का इशारा नो बॉल का है और देखना ये है कि ये नो बॉल क्यों आई है, कैसे आई है। यदि आउट ऑफ विकेट गेंद फिच किए तो निश्चित तौर पर ये नो बॉल कॉल होगी, लेकिन यहां पे देखने वाली है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या नो बॉल वापस कॉल करते हैं एम्पायर, या फिर वो जिस तरीके से स्पॉट को चेक करने के वो जो मुआयना करने गए थे उसके बाद हमें देखने वाली बात ये होगी क्या वापस ये नो बॉल कॉल करते हैं। जी हाँ, इट्स अ नो बॉल अगेन, इट मींस अ फ्री हिट फॉर शिवा। एम्पायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन, नो नीड टू ऑगमेंट हियर, जस्ट बी सेंसिबल विद द एम्पायर डिसीजन, इट्स अ नो बॉल। जैसा कि हम रूल्स में देख पाते हैं कि अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल डिसीजन होता है। यहाँ पे एक अच्छे क्रिकेटर की रोल अदा करनी होगी, जेंटलमैन गेम को डिस्प्ले करना होगा, जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्यादा आर्गुमेंट करने की। और अभी स्कोर जो रुका हुआ है वो 123 पर रुका हुआ है, इसका मतलब एक ही, अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 37 रन चाहिए। ये 37 रन बनाने के लिए बस्तर के पास 5 विकेटें हैं और फाइनली ये वाइट कार्ड आए हैं, इसका मतलब ये है कि नो बॉल को वापस करेक्ट किया है यहाँ पे एम्पायर ने और वाइट कॉल करी है। अब जब फील्डर और गेंदबाज सेटिस्फाइड है तो बैटर्स जो है वो लड़ रहे हैं एम्पायर से। इस तरीके से आप लड़ते रहेंगे तो फिर समय निकल जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, और जब सूर्य अस्त होगा ना तो लाल वाली बॉल दिखेगी नहीं आपको, तो जब बॉल दिखेगी नहीं तो ये फाइनल जो ना आज नहीं कल कराना पड़ेगा। फिर चलते हैं एक बार फिर इस मुकाबले की ओर, बहुत ही शानदार ये इनकाउंटर है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, फाइनल का मुकाबला है। दर्शक देखिए जिस तरीके से मैदान पे है ना, क्या फील आ रहा है, क्या फ्लेवर आ रहा है, ये तैयार है गेंदबाज, तेज गति की गेंद, फिर से वाइट कॉल आई है आस्तम के बाहर, ये आउट ऑफ रीच बल्लेबाज से। अगेन इट्स अ वाइड वन, अगेन इट्स अ वाइड वन, स्कोर 124 नाउ, 36 मोर रन टू विन। जी हाँ, ये 24वां रन आया, 124वां रन, 36 और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
मैदान पे दर्शक और दर्शक जो है इस मैच को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। तेज गति की एक और बार गेंद है, कमाल की कैच है बिहाइंड द विकेट। ये दर्शकों को जरूर हम देखना चाहेंगे जितने की तुम नजर आ रहे हैं मैदान पे। शानदार दर्शक है, उतनी शानदार खिलाड़ी है और इसका पूरा श्रेय जाएगा मोहन के उन कमेटी के मेंबर्स को, जिस तरीके से उन मेंबर्स ने इस तरीके के इवेंट को कंडक्ट करा। ये बहुत मुश्किल काम था ऐसा इवेंट कंडक्ट करा पाना, लेकिन यहाँ के वो लड़कों ने, यहाँ के कमेटी के मेंबर्स ने जो मेहनत करी है ना, ये दर्शाता है, ये बताता है कि उनका मेहनत किस तरीके से रंग ला रहा है। अच्छा ओवर ये, हालांकि दो वाइड जरूर आए हैं लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डॉट्स आ रहे हैं, एक बार फिर से प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पे बस्तर पे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, इस तरीके की गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पे इस वक्त मोहन के मैदान पर, ये फाइनल एनकाउंटर में महावीर इलेवन के गेंदबाजों को। पतला किनारा लगा है बल्ले का, बियॉन्ड द विकेट गेंद जा रही है, गेंद के आसपास मंडरा रहे हैं क्षेत्ररक्षक, एक बड़ी संतुष्ट है, दूसरे को तलाशता है, मुश्किल पसंद कर यहां पर विकेट निकाल के दिया है। इस विकेट के साथ ऐसा लग रहा है वो ऐसे मुश्किल में है बस्तर। पर 125 पे 6 है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी दूसरे रन को बुक करके, दूसरा रन चाहिए था, फिर पहला रन थोड़ा सा तेजी से लेना था। एक बड़ा विकेट सिवा का विकेट यहाँ पे चटकाया, अच्छी कीपिंग वहां पे, अच्छा कैच किया, अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा थ्रो वहां पे और एक परफेक्ट थ्रो के साथ इस मुकाबले में एक बार पिच वापसी करी है महावीर ने। दर्शकों को देखिए कितना मजा आ रहा है, ये पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज उन तमाम ऑडियंस के लिए है। आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर 2023 और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कितनी कमाल की, और ये वाइड एक्सिस से तीसरी वाइड इस ओवर की आउट ऑफ रीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब आप गेंद को बाहर रखने की कोशिश करेंगे और कुछ ज्यादा बाहर हो गई ना तो फिर ये वाइड होगी। कमाल के दर्शक, कमाल के दर्शक, कमाल का क्रिकेट और उतनी ही शानदार ये फाइनल इनकाउंटर है। 160 के जवाब में इस वक्त 126 पे छठवां छटका लगा है, बड़ा हिट है, छोड़ रही है। इस छक्के के साथ 131 नाउ, जी हाँ 29 रन चाहिए और अब यहां से गेंदे जो है क्षमा चाहिए 132 रन और अब यहां से अच्छा ही सही है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 ओवर परिसमाप्ति 132 रन, 12 ओवर परिसमाप्ति 132 रन, बस्तर एकादश। अठारह गेंद 28 रन, वाह। अब देखिए वो जो क्रिकेट का असली रोमांच है ना, अब है 18 बॉल में 28 रन। सबीरो की गेंद जड़ पे खोद के निकाला है, ड्राइव किया है लंबान पर, एक रन और आ जाएगा। 17 गेंदे 27 रन, हर एक गेंद के साथ जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा प्रॉपर रोमांच की ओर मूव करता हुआ। Balls, 27 runs. एक और बार एक सिंगल आएगा यहाँ पे, मिड विकेट के खिलाड़ी थोड़ी सी वाड़ी सी स्क्वाड की ओर मूव करते हुए एक और रन का इजाफा होता हुआ। दर्शक अभी भी बिल्कुल इस मुकाबले को लेकर उत्साहित है, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस मुकाबले के अंतिम गेंद तक इस मुकाबले को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको मालूम है कि दोनों टीमें आसानी से मैच जाने देगी नहीं, किताबी भिड़न चाहिए। अच्छी गेंद है, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, गेंद को खींच के रखा, थोड़ा सा उंगली चला दी और गेंद को थोड़ा नीचे भी रखा। अच्छी गेंद, इस तरह की गेंद की जरूरत होती है जब आप क्रुशियल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हो, खासकर तब
जवाब को टैक्स ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा हो। कबीरो का एक ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर आया, लेकिन उसके बाद इस ओवर की आप बात करें, अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है इस गेंदबाज ने, कमाल करके दिखाया है। और क्यों मैंने दिखाया, बहुत एक्सपीरियंस है ये इनके पास। टाइमिंग अच्छा हुआ है या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, विकेट निकाल के दिया है। अच्छा कैच वहां पे निश्चित तौर पे कहना, जिस तरीके से कैच देगा ना, ये थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन होता है टैप तो बस में, जब आप इस तरीके के कैचेस गैदर करने जा रहे हो वहां पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन इस प्रेशर को हैंडल किया वहां पे और अच्छा कैच गैदर किया। ये पारी का सातवां झटका था। अब यहाँ पे तीन विकेट हाथ में है, बस्तर एक एक विकेट के साथ मैच से दूर जा रही है और एक एक विकेट के साथ महावीर जो है उतनी नजदीक आ रही है इस मुकाबले के। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी संकट में प्रति नामुमकिन है इस खेल में, जब तक गया इस क्रिकेट में अंतिम गेंद ना पड़ी हो इसका भविष्य आकलन करना बिल्कुल गड़बड़ी है। इसे चले एक और अच्छी गेंद, कंध पाकृति इस्तेमाल कर फिर से वो थोड़ी सी जोर लगा के गेंद फेंकी। अब मात्र 13 गेंदें बाकी है और 13 गेंदों में 26 रन चाहिए अंतिम गेंद इस ओवर की। कमाल को ओवर थबीरो, कमाल कर दिया इस गेंदबाज ने, रन्स दिए नहीं विकेट छटकाया। छिया इस ओवर में मात्र 2 रन खर्चा है अब तक, विकेट भी छटकाया है। 13-26 इक्वेशन ऐसा है, 12-26 है ये होता है जब आपकी विकेटें गिरती है ना, तो ये होता है। इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी शानदार स्थिति में थी बस्तर, आसानी से मुकाबला जीत सकती थी यदि उनके शॉट के सिलेक्शंस खराब ना होते। 12 बॉल में 26 रन, 12 बॉल में 26 रन जीतवा पाए बस्तर एकादश को। प्रिया दर्शक बंधु निश्चित भाव रे नाटक देखिबा पाई आसंतु, आज रात ठीक 10 घंटी का समय रे अति संख्या रे 12 बॉल रे 26 रन, तो निश्चित भाव रे धन्यवाद देवी स्पेशलिस्ट कमेंटेटर दीवान सर को अति सुंदर भाव रे आपण मान को ई खेल रो बॉल बाय बॉल धारा विवरणी जो थिबारु मो अनेक अनेक धन्यवाद देवी। निश्चित भाव रे ताकु जगन्नाथ महाप्रभु निश्चित भाव रे सब बेले शांति प्रदान करिबे। धन्यवाद, धन्यवाद कैलाश भाई, जय जगन्नाथ। और ये देखिए अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और ये किस चीज का मौका, जो दल जीती वो सीधा 50,000 टंका बा चमचमाता हुआ ट्रॉफी एवं रनर पे 30,000 टंका बा चमचमाता हुआ ट्रॉफी। प्रिय दर्शक बंधु निश्चित भाव रे धन्यवाद देवी समस्त दर्शक बंधु मान को, आपण मान कर बहुमूल्य समय नष्ट कर के ई खेल को देखिबा पाई आसी थी बार अनेक अनेक धन्यवाद, सुमंगल हार्दिक अभिनंदन बा समस्त को कंग्रेचुलेशन बा हैप्पी दिवाली। लेकिन वहां पे कप्तान जो है इस नोबॉल से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस ओवर की आप बातें करें तो यहाँ पे इस ओवर की ये पहली गेंद थी, पारी का ये 14 ओवर फेंका जा रहा है। फाइनली इट्स अ नो बॉल एंड इट्स अ फ्री हिट।
Yes, it is the free hit. Free hit. 25 runs. 12 balls. It's a cross encounter in the finale. Bastar and Mahavir 11. So hammer down the ground and we'll save it. Great work from the Siva. Exactly know that it's a free hit ball, that's why it didn't attempt for the wicket. And last one and a half over almost have been bowled here. Will have been bowled. The Sobal Baki. 136 runs so far, 24 more runs to win. 24 runs ka aur yahan pe zarurat hai. It's a 24 more runs to win in the 10 ball. Terrific drive in the wide, it's extra cover. Will they move for a couple of runs? And another single, each and every single, exactly it's been a build the pressure to the batter. One encounter in the league stage for 300 Kondagaon. They needed 19 runs against Titlagar in the last over. Murli was a batter, he hit a couple of over boundaries. But unfortunately, they struck with one single run and they lost the match. So here we go. Here we go for another ball in the over. Cheeky one! And it's a new ball! More runs to win. अभी भी 18 रन की आवश्यकता है. जी हाँ, 18 रन और चाहिए. और ये फिर से फ्री हिट आएगी. Exactly ये फिर से नो बॉल है, तो फ्री हिट आएगी जरूर. और जरूरत नहीं है कि आप बार बार मैदान के भीतर आए. देखिए आपके लिए प्रॉब्लम है, समय बीतता जाएगा, लाल गेंद दिखेगी नहीं. ये बहुत समस्या हो सकता है लाइट को लेकर. तो जितनी जल्दी मैच के ओवर साफ हो ना, उतना बेहतर होगा. नौ बॉल रे 18 रन. बचा लिया यहाँ पे. तेज गति की गेंद जड़ पे डाल दी. हालांकि फ्री हिट था और फ्रीट पे वो चांस जो था ना, वो चाहिए था. चांस मिला था डांस करने की बल्लेबाज को, लेकिन पैर छिले नहीं. अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज से. गुट्टू बड़ी कमाल की गेंदबाज है. गति है इनके पास, स्विंग है इनके पास. बैटर भी तैयार है, तैनात है. आसम के बाहर है, पहले बात के पहुंचे दूर है. कट करने की कोशिश है, तेज गति से निकली है, डार्ट पे कन्वर्ट हुई है. नो नीड टू आर्गुमेंट यार, जस्ट बी गो विद दी स्मूथली क्रिकेट. इट्स अ जेंटलमैन गेम एंड यू ऑल यू आर जेंटलमैन. महावीर इलेवन उमा कोच एंड बस्तर 11 छत्तीसगढ़. फाइनल इनकाउंटर. It's a great work behind the wicket. Well, it's a wicket. Let's check it. And it is. It's a big wicket. Damn it. सात बॉल 18 रन.
अच्छी गेंदबाजी कैलाश सोबर की आप बात करें। निश्चित भावरे अति सुंदर भावरे चमत्कार बनी निश्चित भावरे चमत्कार भाई नमस्कार निश्चित भावरे। हालांकि कुछ नोबॉल से रुड़ाए एक नोबॉल पे छौका भी जड़ा लेकिन उसके बाद इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार वो बैक टू द बॉलर लॉन्ग आउट पे खेल रहा है एक ही रन आएगा ओवर की होगी समाप्ति और इस तरीके से पारी का ये 14 ओवर पूरा हुआ 14 की समाप्ति के पश्चात स्कोर 143 143 for 8 नाउ 17 टू विन इन द लास्ट 6 बॉल यस इट इज लास्ट टू बॉल इट इज 17 छह गेंदों में 17 रन जीतने के लिए बस तरह का आदर्श को 6 बॉल बाकी रन 17 दर्शक बंधु कमजोर दिल वाला ना देखे मेरे साथी इस मैच को बिल्कुल हार्ट अटैक हो सकती है बिल्कुल अंतिम 6 गेंद से जीतने के लिए रन चाहिए 17 बिल्कुल कैलाश अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी है 17 रन चाहिए और गेंदबाजी में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं थालिम थालिम कम्स बैक टू दैट एग इन द लास्ट ओवर 17 टू विन इन द फाइनल फॉर बस्तर 11 थालिम इज ऑन द बॉलिंग लाइन फर्स्ट बॉल इट्स अ मैसिव वन कनेक्टेड विद द बेस Spot from the batter. Last over, first of all, and it's a massive one over to the mid-wicket for six. Now 11 in the 5 balls. 5 balls, 11 runs. Talim hammer down the ground towards the long and it's a miss. Exactly, it's a boundary. And jersey number 19. And it's a big fumble from this Sukesh. Oh. It's a luck by chance. 10 run in the first 2 balls. 7 in the 5 balls. 4 balls. 7 in the 5. Good ball, good comeback from the bowler. 3 balls, 7 runs. 3 gendo mein 7 run. 3 balls, 7 runs. First 2 balls, 6 and 4. Third one, dot. Now next 3. It's a heart-beating encounter in the finale of the Mohan Cup between Bastar Chhattisgarh and Mahabali 11 Odisha. 160. Supremum in the final. Last 2 balls, 1 run. Scores are level. Scores are level. Score बराबरी पर आ गया है. 2 गेंदों पे 1 चाहिए बस्तर के इस मुकाबले को जीतने के लिए. सीता राम ने कमाल कर दिया है. दर्शकों फिर देखेंगे. यदि सीता पंडो 6 रन के पहले फाइनल मुकाबले की आप बात करें इस फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से वो दर्शकों ने सुरेंद्र भाई के द्वारा देखा है हमने बस्तर छत्तीसगढ़ और महावीर 11 उड़ीसा के मध्य का ये फाइनल मुकाबला बस्तर ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी की 169 पे रोका महावीर को 160 के जवाब में उन 15 ओवर्स में पहला ओवर में विकेट गमाया उसके बाद दूसरे विकेट ले पाया अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए था पहले में 6 दूसरे में 4 तीसरा डॉट और ये
और बाहर ये डॉट पे कन्वर्ट हुई है। स्कोर अभी बराबरी पर है, स्कोर बराबरी पर है। एक रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नजदीकी खिलाड़ी काफी नजदीक आ चुके हैं। एक गेंद एक रन, ये स्थिति इस वक्त इस मुकाबले की। मैदान पे दर्शक और दर्शकों को देखते ही बन रहा है, हुजूम उमड़ रहा है दर्शकों का। यहाँ पे दर्शक नजर आ रहे हैं। एक बॉल, अंतिम बॉल में छक्का भारतीय ताहिर सुरेंद्र भाई के द्वारा सौ रन का रिजा। रिजल्ट के बाद अब पारी है प्रेजेंटेशन सेरेमनी के। चलिए दोस्तों, धन्यवाद साथी कमेटी जी। दबाव रे अति सुंदर भाव रे अपन को खेला धारा भी बनाई दो थे और आपने धन्यवाद स्पेशली इस कमेटी दल दीवान सर को आप ऊपर हो इससे सूचना दिवाली धमाका फुटबॉल टूर्नामेंट दर्शक बंधु टी ध्यान दियंतु। दिवाली धमाका फुटबॉल टूर्नामेंट आसंता बहाको आरंभ हेबा पई
लाइव चल दिया मेरे गला लाइव रन कर का है ना मैं बोल रहा काय करूं हेलो हां हेलो 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 ध्यान सर आइए ध्यान सर को एक बार फिर से निवेदन है जहां कहीं भी हो मंच के सामने आने के लिए कष्ट करेंगे ध्यान सर छत्तीसगढ़ से आए हुए ध्यान सर ऐसी के मंच के सामने को बसी जाते वस्त्र एकादश एवं महावीर ने गुजारिश है कि जल्द से जल्द मंच के सामने आने के लिए कष्ट करेंगे लाइव वीडियो रे मिसा देखे नो MS how are you MS
हेलो वस्त्र एकादश भाई अनुरोध दो डॉलर करंतु नहीं कमिटी भाई जल्दी टिके से बंधुन को जल्दी टिके पठातु जाई टिके तांको पठातु जल्दी समय नहीं कमिटी भाई ला निवेदन आए कि प्लेयर बंधुमन लाइक करी जल्दी आटो की व्यवस्था बनाओ समय नहीं है बस्तर टीम और महावीर टीम यूके टीम दुई डॉलर बंधुमान को पुणि थे अनुरोध जल्दी टी आसिकी या दोनों टीम का खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन है कि जल्दी से जल्द मंच के सामने आने बस्तर से भाई मन जल्दी आना उमर को शीघ्र आसंतु भाई महावीर इलेवेन दल समस्त महारथी मान को अनुरोध जल्दी टी आसंतु आपको
लाइव हो ये पाठक वाला आप बोला आपका था एक बाप इस साइड का बोल वाला हां हेलो आगे ए मैं तो समस्त साथी श्रृंखला बाजार अबे स्वागत आज अब भोली वाले तो जोरदार करो ताली एक ताली बजा दो जोरदार तो आज अच्छा आटो को एमएलए सर को सूचना मानने से तो स्वागत कर दो एमएलए सर को हाँ धनश्री धोनी पुष्पा बाल्य सहित स्वागत कर दो जोरदार करो ताली हो जाओ धन्यवाद सर हाँ धन्यवाद धोनी पूरी तरह सम्मानित अतिथि से बहन जो कि उपेंद्र सर को पुष्पा बाल्य सहित स्वागत करिए लक्ष्मी धन्यवाद सर धन्यवाद भौणी नेक्स्ट ब्लॉक सभापति राइजिंग गंडम को पुष्पा बाल्य सहित स्वागत करंतु टूर के भौणी स्वागत करंतु जोरदार पर ताली ही जाओ पूरी तरह मोहन जी की एक सरपंच शालिक दास गंडम को जोरदार कर ताली सहित पुष्प बाल्य सहित स्वागत करें तो बेलवती भौनी स्वागत कर दो पुष्पा बाल्य सहित एक सरपंच शालिक दास गंडम को धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद भौनी दोबागा जीती रहा सरपंच स्वर्ण गंड महोदय को पूरी तरह पुष्पा बाल्य सहित स्वागत कर दो देवागा सरपंच चरण गंड महादेव को स्वागत कर पैसा नहीं लगे हार्ट अटैक नहीं हो बीमारी बजा ले गणेश प्रधान को निश्चित भाव में पुष्प बाल्य सहित स्वागत करंतु मिथुन भौणी स्वागत करंतु पुष्प बाल्य सहित धन्यवाद बरभाई श्यामलाल भाई को पुष्प बाल्य सहित स्वागत करंतु गोटे ताली हो जाओ श्यामलाल भाई को निश्चित भाव में जातु भौणी दुर्गेश नितय मंडल प्रभाई को पूरी तरह पुष्पा बाल्य सहित स्वागत करंतु ताली ही जाओ जातु भौणी
खिलाड़ी दोहट मेंबर करंतु को इसका बोलता है इन्हें देख लानी होए काम हमें पूरा दूसरा ऊपर लोग देखें क्रिकेट तो हमें का 3,000-5,000 हम और गिरात बन बहुत उठा विद्यालय एसआर का हाई स्कूल सर दीपक सर को पूरी तरह पुष्पा बल्ले से स्वागत करें दो स्वागत करें दो हेड सर को तापरे प्रतिनिधि बलसा को पूरी तरह पुष्पा बल्ले से स्वागत करें दो जान तुम्हारी धन्यवाद पूरी तरह बसंत कलार सिंह पर भाई को पूरी तरह पुष्पा बल्ले से स्वागत करें दो जान तुम्हारी गुरु सिंह को पूरी तरह पुष्पा बाल्य से स्वागत करें दो तापरे भिंगू सार को पुष्प बाल्य सहित पूरी तरह स्वागत करें तो भिंगू सार को स्वागत कर दो ताली जाओ तापरे मुंडन को पूरी तरह पुष्पा बाल्य से पूरी तरह कर दो नरसिंह सार को पूरे पुष्पा बाल्य से स्वागत करें दो नरसिंह सार को भाई मैं ताली नहीं पा रहा थे चल का जी बहुत दुख लागे थे हेलो
चेयरमैन उपेंद्र बंड सर ब्लॉक सभापति राय सिंह गोंड सर आम गहन उपस्थित देवागाजी सरपंच शरण बड़ भाई बा समस्त मान्यगण्य भद्र मंडली बा समस्त मा मौसी विनर एवं रनर टीम समस्त खिलाड़ी बंधु यही टूर्नामेंट प्रेसिडेंट बंधु वाइस प्रेसिडेंट बंधु केसर बंधु स्कोरर बंधु बा समस्त कमिटी भाई समस्त को यही शुभ संध्या अवसर में नमस्कार काय का जहां से समझू नहीं सकूं क्या भी तो दर्शक बंधु आज आपण मैंने देखिए महावीर इलेवेन एवं बस्तर मध्य हाई भोल्टेज मैच अति सुंदर भाव में खेलने जा यही खेल आज परिसमाप्ति हो जाए एवं प्रथम स्थान अक्तिर कर बस्तर एकादश एवं द्वितीय स्थान में अच्छे महावीर इलेवेन यही खेल निश्चित भाव अंतिम पर्यटन आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थित सचिन अतिथि महोदय नवरंगपुर चेयरपर्सन महोदय एवं मंच में उपस्थित भद्र व्यक्ति विशेष महोदय गत तेरह तारीख जो यहाँ के युवक बंधुमन आयोजन कर रहे क्रिकेट बहुत संघर्षपूर्ण आकर्षण तो सबके सहयोग में
बहुत शांतिपूर्ण मैच संपन्न हुई। कहीं असुविधा नहीं हुई, शांति श्रृंखला में संपन्न हुई। सफर बार युवक मंडली मन के लाइसमैन और तो मन के कर्मकर्ता बहुत 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 धन्यवाद। हार्दिक जगत आपण को सर्वे धन्यवाद। ब्लॉक सभापति राइसिंग घोट सर को धन्यवाद। तमा का टूर्नामेंट सम्मानित अतिथि मेट्रो संपादक एवं ये उमर कोर महावीर और बस्तर इलेवन रो प्लेयर्स बंधु ये माँ भौनी एवं मंच मंच एवं जोटा की क्रिकेट अंतरराज्य बस्तर इपटे ओडिशा एवं महाराष्ट्र झारखंड ये सब आसिकिना खेलते शेष फाइनाल मैच रे बस्तर इलेवेन एवं उमरकोट उभय दुईटे टीम रो आकर्षण थिला। ये बस्तर इलेवेन उमरकोट को कब्जा करी नहीं जाइतिला, पुणी बस्तर इलेवेन को उमरकोट कब्जा करला, पुणी शेष बेल को जोटा कि सामान्य टिके भूल पाई बोते उमरकोट जीती जाइता, सामान्य भूल पाई उमरकोट को आज पराजय हेबा पाई पड़ी गला। तेणु प्रत्येक जिनिस रे हमको सबु जिनिस रे जागृत रहबा पाई पड़बो एवं संघर्ष करबा पड़बो। शेष पर्यंत हमर सामान्य भूल पाई आज आम पराजय हेचु, कौन पाई हेलु ना कि सीधा समीक्षा करबा कथा। आगामी दिन रे निहाती ए अंचल रो जेते युवक बंधु अछंती मां भौणी अछंती जो छात्र छात्री अछंती समस्ते आपण जानिथिबे ये मास 5 तारिख रु 20 तारिख पर्यंत 13 वर्ष रु 35 वर्ष पर्यंत जो क्रीड़ा पाई फुटबॉल क्रिकेट खो खो वॉलीबॉल कबड्डी पाई ऑनलाइन है ताहिरे आपण भाग नियंतु एवं ए अंचल रो शिक्षा रो साथे साथे एवं चाषवास रो साथे साथे एवं क्रीड़ा रो विकास केंति आपको भल हेबो सेति पाई समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मो कहबार किछु भक्त रे फुल थिले आपण दया करी क्षमा करी मते क्षमा करबे बोली मोर एति कहि मोर वक्तव्य मु बंद करछि। वंदे उत्कल जननी नमस्कार जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अति सुंदर भाव में किसी संक्षिप्त खेल विषय अनेक अनेक धन्यवाद। निश्चित भाव आपण को भी जगन्नाथ महाप्रभु सबुबले शांति प्रदान करेंगे बोली मो जगन्नाथ ठारे प्रार्थना करे। धन्यवाद। तो सम्मानित अतिथि से आई नुहति एसडीसी चेयरमैन नवरंगपुर उपेन्द्र गण सार से किसी आपण मान को यही खेल विषय संक्षिप्त किसी उद्बोधन देवे बोली आशा रखी। धन्यवाद। आज महंड ग्राम पंचायत अंतर्गत महंड ग्राम थारे सात दिनिया
अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट रे गाडी उद्यापन दिवस मुख्य अतिथि माननीय विधायक उमरकोट श्रीजुक्त नित्यानंद गण महोदय पंचासीन एठी पूर्वतन मोहन एक सरपंच सालिक भाई देवागा सरपंच चरण भाई एठी लैम सभापति बड़ भाई राइसिंग महोदय मंचासीन परण्य अतिथिगण समस्त ना ने क्षमा करे पेशी भाई पंचु भाई टू आरंभ करी मेघा दिवाली धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करी आयोजक कमिटी रो समस्त सदस्यगण महान ग्राम पंचायत कोण अणकोण यही क्रिकेट टूर्नामेंट को देखी आसीथिबा समस्त क्रिकेट प्रेमी भाई भौनी एवं युवक साथीगण एवं एठी जेते भी ये टूर्नामेंट रे अंशग्रहण करथिले समस्त टीम आउ टूर्नामेंट रो जे कि धारा बिवरण दउथिले अति सुंदर भावरे सही कमेंटर भाई मन को एवं शेषे यही टूर्नामेंट रो आज जो ग्रांड फाइनाल रे पूर्वे जो बड़ दुईट टीम महा मुकाबला रे भेटघाट होते उमरकोट महावीर 11 एवं बस्तर 11 बहुत सुंदर टूर्नामेंट आज देखा मिली मुठी बस अनुभव करूली जे आमर ये अंचल गोटे हुए आमर जानुरी मसरे चंदाहांडी ब्लक यादव माझी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट एमती लोक गहली हुए आज देखिली ये उपांत महन ग्राम पंचायत जे कि छत्तीसगढ़ सीमार अच्छी ये सेमती अनेक संख्याक जनसमुद्र दर्शक ये उपभोग करूले तेणु से दर्शक मान मो तरफ धन्यवाद एवं ये कमिटी मान मो तरफ धन्यवाद आज शुभ दिवाली अवसर में आपण मान मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। बहुत सुंदर टूर्नामेंट आज जो टूर्नामेंट आम देखा पाइल मु प्राय बहुत जगह जा टूर्नामेंट देखा क्रिकेट हो फुटबल हो फाइनल मैच टा प्राय एमती को जगह एत लास्ट बॉल पर्यंत देखार कौन भी अनुभव कर पारे तेणु आज बजरंगी जो कि महावीर 11 एवं बस्तर 11 भेतर जो टक्कर होता आम फास्ट जितेबले सेकेंड इनिंग्स सात ओवर आठ ओवर चली बेले वन साइड बस्तर 11 नहीं जाता तार झोली रे गोटे प्रकार समस्त दर्शक किसी निज निज सीट छाड़ी चली जाते बस्तर 11 ये मैच टाक वन साइड मैच हो गला मैच रही मजा नहीं बोली किसी दर्शक चली जाते धीरे धीरे जितेबले गोटे विकेट सेकेंड विकेट फाल होगा पतन पूरी कमबैक करले महावीर 11 आ महावीर पर शक्ति देखेले आमती पहुंची गले जे मैच किए जितब किए हार कहार संदर्भ नहीं पाखे तो आप माने समस्ते जानते खेल माने गोटे प्रकृत सत्य जे कि गोटे टीम जीतले हार इटा किए का पाखे अछुपा ही रही ना तेणु आज मुझे अनुभव करूली लास्ट मोमेंट रे
एमती कमबैक करी आसी निजर हाथर मैच टाक पुणी बस्तर को टेकिदेले महावीर तो सही भितर मु कौन सी प्लेयर ना नेबा पई चाहू नै किंतु अमर महावीर प्लेयर रो जति किछि सदस्य बा प्लेयर बस्तर इलेवेन को जितबा पई सहायता करी न थांते ताहेले से माने केबे जीति न थांते तेनो एठी महावीर टीम रो प्लेयर अमर बस्तर प्लेयर को सहयोग कर जितवा पाई तेणु जीत हार गोटे पॉइंट रु पार्श तेणु आज जो बस्तर टीम जीति मो तरफ रु शुभे बार्ता एवं आज महावीर टीम नंबर को आम ये अंचल एक नंबर टीम किंतु आज कि गोटे त्रुटि है आज सेकेंड पोजिशन निजर आसन रखापी पड़ा तेणु आज कहीं आम सेकेंड पोजिशन है निश्चित समीक्षा कर दिन रही तेणु समय मत खूब कम तेणु आपण मैने खेल मध्यम ये हजार हजार दर्शक को गोटे आनंद मन समस्त को मो तरफ धन्यवाद दूसरी आउ यही कमिटी को पुणी थे मो तरफ रु मोर अंतर सहित बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी एत बड़ टूर्नामेंट करी करी सफल कर नमस्कार जय हिंद धन्यवाद धन्यवाद सर अति सुंदर भाव यही खेल विषय पुंगानुपुंख भाव कही अनेक अनेक धन्यवाद निश्चित भाव आपण को भी जगन्नाथ महाप्रभु सब बेले शांति प्रदान करतु धन्यवाद तो आज मुख्य अतिथि से आई नुहंती से होती मान्यवर विधायक श्रीजुक्त नित्यानंद गण सर से किसी आपण मानक यही खेल विषय किसी धारा बरणी देवे मु अनुरोध कर सर को मोहन ग्राम थे आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट रो अंतिम दिवस रे उद्यापन उत्सव रे आज आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर बंधु एसडीसी चेयरमैन उपेन्द्र गण महाशय इठी उपस्थित अछंती लैब प्रेसिडेंट राइसिंग भाई बसंत भाई आमर देवागा सरपंच चरण भाई पूर्वतन सरपंच आमर शालिक भाई शालिक दास भाई एवं नीताई भाई कृष्णा भाई सुब्रायगण सामलाल भाई मोहन भाई एवं विशेष करी ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन होता से आयोजन कमिटी सभापति पंचु भाई सोनाराम भाई पेशी भाई एवं कमिटी समस्त उपस्थित महावीर इलेवेन एवं बस्तर टीम रो खेला बंधु एवं उत्साहित करुले आओ बिना दर्शक रे खेल मजा लगे ना से दर्शक बंधु समस्त को आज आलोकर पर्व दीपावली अवसर में आपण मान समस्त को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा ये निश्चय दिवाली मो आमे माने अनेक जगह खेल जाऊ किंतु ये भली बंधु माने भले भाव रे खेल को आयोजन मो धन्यवाद रही पारे ना से को बहुत बहुत धन्यवाद आदिन अनुभव करी मु आज कहती कि टुवेल प्रति गोटे दिन छुट्टी मिले कम से कम परिवार से रहा आज आज आसला देखली जे
मुझे विराट परिवार सहित कमिटी भाई मान द्वारा ये खेल एमती हम जहाँ कि से जो जो से माने जो निमंत्रण करबा को जाईथिले से दिन ही से मानकर भितरे जो उत्साह थिला जो उद्दीपना थिला से माने खेल को एक रोमांचकर करिवे आ अधिका संख्या रे आसीबे के आत्मविश्वास तांको भितरे थिला खेल ही एते संख्या रे समस्तन को एकत्रित एते बड़ समावेश ये उपाय के बारे छत्तीसगढ़ रो बड़ा हमें देखिबा को निश्चय आम समस्त को मजा दे ये खेल आम समस्त एकत्रित हो पारिचु आम भितर भाईचारा बढ़ी चल खेल निश्चय खेल भितर हार अच्छी जीत अच्छी कितु मो हार जीत भी से बड़ फरक देखी ना ये टफ कंटेस्ट देखी थी आमको भी बहुत खुशी दे जदि खेल ये भली न था एक तरफा जो था आमको भी चिंता लगी था अधारे भी कृषक बंधु भी पल खेल को देखापी गोटे बोल रे भी कौन हम ये देखापी समस्त अन बस एमती चमत्कार थर खेली तेणु से आउ धन्यवाद देवी एवं भगवान को पाखे प्रार्थना करी आपण मैंने भल खेल एवं आम समस्त मनोरंजन करू एवं आपण मैंने दिने देशर ही बाहर था ये भगवान पाखे मु कामना करू आज जो खेल आम तो आनंद उपभोग कर ये शेष मुहूर्त धरी खेल आम खेली मान देखु आमर महावीर इलेवेन रे प्लेयर आसिकिना कहला जे बस्तर रेष से बोधे बोलर थे जो भाई सतर रन आठ से कहते बैट भी धरवा को सुजोग न मिले शेष सुजोग भी मिल न था किंतु सहित जो खेलिकिना खेल खेले बहुत भी हुए कमजोर डर गया वो मर गया कौन भी बुझले कि नहीं मो उभय को कह उभय पूरा शेष पर्यंत खेली दम्र सहित खेली कन्फिडेन्स सहित खेली ये दरकार अच्छे आवश्यक तेणु कहा भी हर्ता होइए जो बार बार शिकायत करता है हर्ता होइए जो बार बार शिकायत करता है जीतता होइए जो हजार बार कोशिश करता है जितना हमें देखिए कि से कोशिश कर तेणु कोशिश तेणु आम मन भी समस्त प्लेयर आपण मान पाखे से जलवा अच्छे आपण मान पाखे से जश अच्छी आपण मैंने भल खेली पारे एवं आम अंचल को भी गौरवान्वित करेंगे देश को भी आपण मैंने गौरवान्वित करेंगे आपण मैंने कमजोर हूँ ना सब बेले पॉजिटिव आटीच्यूड नहीं कि आग को बढ़तु मु खेल खेलिकी जड़े भल खेला हेबी एभली मनोभाव नहीं आपण मैंने खेलतु आगामी दिन में निश्चय आपण मैंने आपण लक्ष्य स्थल आपण मैंने पहुंची पारे शेष आपण मान कह सफल नहबा जाए त्याग ना मनोचिंता सफल नहबा जाए त्याग ना मनोचिंता संघर्षमय रणक्षेत्र किय ना पचकुंचा परिश्रम बिना जीवने मिले ना जय जयकार परिश्रम बिना जीवने मिले ना जय जयकार परिश्रम करवा लोकर परिश्रम कर उभय उभय दल आमको समस्त को मनोरंजन कराई आपण मान को कौन सी मुझे भावी ना ये कि किए हारा किए जितला कितु शेष पर्यंत आपण मैंने खेली आपण मान उभय विजय एवं एमती भाईचारा रखी आपण मैंने खेलतु भाईचारा वार्ता सबुआड़े प्रचार करतु कामना करी मोर बाणी को मो विराम दौर जय हिंद जय भारत माता वंदे मातरम धन्यवाद।
धन्यवाद सर, अति सुंदर भाव रे पुंखान पुंख भाव ये खेल विषय किसी कही थी अनेक अनेक धन्यवाद सुमंगल बा हार्दिक अभिनंदन बा थोड़ी देखा स्पेशलिस्ट कमेंटेटर आगे जो भार संभाले गोटे जोरदार बड़ी सहित स्वागत करते स्पेशलिस्ट कमेंटेटर दिवान सर को स्वागत सर। थैंक यू कैलाश और हमारे तमाम अतिथियों के बर्थडे से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, समय है हमारे तमाम विजेताओं और उपविजेताओं के साथ साथ उन तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का। नाउ इट्स द टाइम फॉर द रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स फॉर ऑल द प्लेयर्स विनर्स रनर अप एंड स्पेशल प्लेयर्स एज वेल। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल द बेस्ट बॉलर ऑफ द फिनाले, ही टुक 4 विकेट इन द क्रूशियल एनकाउंटर एंड द अवार्ड गोज टू नन अदर देन Basu. Well, Basu, please come up and collect your trophy for the grand finale. And terrific bowling figure. He spent just 26 runs and got 4 wickets. It's my humble request to Dr. Umesh Naik sir. Sir, please to the owners. To the Lakshmi for the great fielding and the best fielder award. It goes to Lakshmi. Well, Lakshmi, please come up and collect your trophy. Honorable, please, sir, do the honors to Lakshmi for the terrific fielding in the field. Best fielder, Lakshmi, please come up if you listen me. If you have listened to Lakshmi, please ask me to come up quickly. Hindu. On the behalf of Lakshmi, Narayan Bharti, please collect the award. Award. अरे नेक्स्ट वन इज द बेस्ट बॉलर शिवसागर फॉर द 9 विकेट थ्रू आउट द इवेंट इंक्लूड टुडे द एनकाउंटर एज वेल। आज के साथ पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 9 विकेट चटकाए और अपनी टीम को सबसे अच्छी ताकत दी गेंदबाजी से और बेस्ट बॉलर का अवार्ड जा रहा है शिवा भाई को। हम चाहेंगे कि सामान्य चरण कौन सर आप शिव भाई को ये अवार्ड प्रेजेंट करें बेस्ट बॉलर के बाद पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 9 विकेट चटकाए। अब 41 प्लेयर हैं और 41 प्लेयर के बाद जा रहा है कैप्टन अपर सर भरत भाई स्टाइलिश प्लेयर। पैसे से ये पुलिसमैन है, आपको मैं बताना चाहूंगा और अपने ड्यूटी के बीच में जिस तरीके से अपना समय निकालते हैं और समय निकाल कर वो इन चीजों पे अपना समय देते हैं, मैं रेस्पेक्टेड पेशीराम सर सर प्लीज मैं चाहूंगा कि आप ये अवार्ड दें भरत भाई को स्टाइलिश प्लेयर। मुझे लगता है स्टाइलिश प्लेयर इसलिए बोला गया कि हम ये डेबरा जी सही कह रहे हैं आप, इसलिए तो इन्हें टीम को कप्तान बनाया गया बस्तर का। आज अच्छा गेंदबाजी किया बस्तर के कप्तान भाई भरत ने और लगातार 2 विकेट चटकाई और अपनी टीम को कमबैक कराया था। दोस्तों बारी है मैन ऑफ द टूर्नामेंट की, उसके बाद अब मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे। अब बारी है मैन ऑफ द टूर्नामेंट की,
180 runs with the bat and couple of wickets in the ball throughout the event. And this award goes to none other than the highest player of the tournament. It means more than 6 feet, his height is concerned here. And the award goes to Inga Aza Aman Bhai. आज भी शानदार 42 रनों की पारी खेली और साथ में दो विकेट भी चटकाया और एमआरएफ की भेंट उनको अवार्ड में रेस्पेक्टेड दीपक सर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा टूर्नामेंट कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल होता है। अमन भाई आप हमारे साथ बातें करें, माइक में बातें नहीं, मैं बल्ले से बात करता हूँ और आज उन्होंने बल्ले से बात किया दोस्तों। आज एक फंसा हुआ मैच को जिस व्यक्ति ने निकाला, पहले तो गेंद से शानदार 3 विकेट निकाली, उसके बाद अंतिम ओवर में 17 रन, ये बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन था। इसमें क्राउड थी, ऐसा लग रहा था कि इस क्राउड के बीच में परफॉर्मेंस करवाना सर प्लीज डू द ऑनर्स टू आवर मैन ऑफ द मैच टीचर लाइक कंटेंट। ये थे हमारे तमाम इंडिविजुअल अवार्ड्स, आपने देखा स्टाइलिश प्लेयर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैलर ऑफ द फाइनल, बेस्ट बॉलर थ्रू आउट द इवेंट, बेस्ट man of the match and man of the series. Now it's a time for the runner-up. Unfortunately, they lost the match after they scored 150. It was enough total, but they need to better one, especially in the last summer overs. And the winner in award goes to Hari Mahalevan Umakut. Captain as well as all the players, please come up and join with us in the presentation party. And please collect your check. It's my humble request to Upendra sir and Rising sir, please do the honor to all. हमारे उप विजेता, हालांकि इन्होंने बोर्ड पे 159 रन सांगे थे, आखिरी के 5 ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करी थी, गेंदबाजी भी काफी अच्छी थी, चटकाए थे, अंतिम ओवर रन नहीं बच पाया और अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम को ये मैच गंवाना पड़ा। में ये टीम विजेता रही है इस सीजन में, अनफॉर्चुनेटली ये मैच उनसे निकल गया, बट हमारे कप्तान से बात करेंगे। कैप्टन प्लीज कम अप एंड हैव अ फ्यू वर्ड्स टू अस। मेरा भाई मुकाबला अच्छा था, जैसा कि आपके बारे में आपके भी गए मारी, एक ऐसा भी दिन रहा जब आपने 25 ओवर में आपकी टीम ने 300 से ज्यादा रन किए और उसमें आपका बल्ला खूब बोलता था, आज भी वो बल्ला बोल रहा था आउट खेल गए, अगर था हमें 200 रन कर सकते थे, क्या आपको लगता है कि 200 रन हमारी टीम को होना चाहिए था? नहीं, जैसे कि बस्तर से हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं, अभी 3 दिन पहले भी एक मैच खेले थे, तो जैसे ही महावीर और बस्तर का मुकाबला होता है तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होता है, टक्कर रहता है। इस बार वो लोग स्ट्रेटजी में बॉलिंग कर रहे थे वो लोग, तो उस स्ट्रेटजी में जितना भी रन हम लोग बनाए थे और जिस हिसाब से हम लोग भी अपना तो मैच अपने हाथों से हम लोग गवाए हैं आखिरी ओवर में, और जो मिस फील्डिंग की वजह से वो 4 रन जो चला गया, उस वजह से मैच हाथ से चला गया, और जीत और हार तो मैच में होता ही रहता है, वो तो देख देख के हम लोग इतने साल खेल चुके हैं। वो जो 325 आप बोल रहे थे वो ड्यूस बॉल का था, ये तो टेनिस बॉल का मैच है, रहता है, कई सारे में खेल रहे थे, जैसे कि अभी भी आप देख रहे थे एक साथ मिलकर
अच्छा रिलेशन रहता है हम दोनों के बीच में, तालमेल अच्छा रहता है, हर बार जब भी मिलते हैं गले मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू बस्तर इलेवन, बहुत ही बढ़िया खेले, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू महावीर इलेवन ऑल्सो, इतना अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंचे और दर्शकों को एंटरटेन किए, और मोहन के सारी ऑडियंस जितना और कमेटी सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे, इतना अच्छा टूर्नामेंट किए और ऑडियंस का भी काफ़ी अच्छा समर्थन रहा, थैंक यू। आपने एक बात कही कि जीत जा रहे हैं ना, निश्चित ही वो समय बिता रहे थे और ऐसा मित्रता देखने को मिला, मतलब बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम दूसरे एक दूसरे के अपोनेंट रहे, साथ हमने भिड़ के खेला बहुत, लेकिन आप दोनों मित्रता देखने को मिली, ये मैसेज करता है तमाम युवाओं को, कोई फील्ड से व्यवहार सब रही है जरूर आए, लेकिन टूर्नामेंट के आप लाखों लोगों का जीत जा रहे हैं, फिर तो जिसके लिए इसके लिए टूर्नामेंट के दर्शी बने काउंटर में, अंतिम ओवर में आसान नहीं था, एक अच्छा रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल एमएलए सर, प्लीज डू द ऑनर्स टू द विनर ऑफ दिस सीजन बस्तर 11 छत्तीसगढ़, कैप्टन कम प्लेयर कोच मैनेजर एवरीवन प्लीज कम अप एंड जॉइन विद अस इन द प्रेजेंटेशन पार्टी। तू आओ रे बेटा, टेरिफिक वन ए बेटा, आजा बेटा, आ बेटे मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा सा दूरी से लेके ना तो अच्छा फोटो आएगा, ये देखिए चेक भी आ रहा है साथ में चमचमाती ट्रॉफी भी है, ये बस्तर के नाम हुआ है, बस्तर के खिलाड़ियों ने आज परचम लहरा रहा है मोहन के इस ग्राउंड पर। जी हाँ, आज ऑनरेबल थिंग्स मोहन के मेंबर्स के लिए तालियां बजाओ दोस्तों, ये लड़के जैसा मेहनत कर रहे हैं ना, जिस तरह किसी इवेंट ये तालियों के हकदार हैं, एक बार जोरदार तालियां मोहन के लड़कों के लिए, निश्चित ही मजा आता यहाँ पे आना, मैच देखना बहुत शानदार। हम चाहेंगे कप्तान बस्तर, कैप्टन बस्तर, बस्तर कैप्टन भरत भाई, नारायण भाई आप आ रहे हैं, अच्छा लगा नारायण भाई एक बार आपकी टीम को देख जीतने में, किस पर रनर अप इसके बाद फाइनल मौका, आज टीम ने जिस तरीके से खेल दिखा, 17 रन अंतिम ओवर में थे भी बनाए, लेकिन हर डिपोर्ट बाद आपका पहली पारी की आपने टॉस जीत के पट्टी करने का फैसला लिया, ये काफी तक सही निर्णय था जहां तक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इस विकेट पे रन अच्छे से आते हैं, फिर भी दिमाग में क्या चल रहा था फाइनल इवेंट में, टॉस जीतना है, बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, क्या कुछ चल रहा था? मैं बहुत समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अब लगातार 3 साल फाइनल पहुंचे हैं, पिछले साल रन अप थे, 2 बार जीता हुए हैं, मैं इस मोहन धर्मी को नमन करता हूँ, और आज जो बड़ी टीम जो और यही सोच रहे थे कि हम हार जीतेंगे तो चेस करेंगे, और चेस में यहाँ जो सवाल चीज है और हमारे गेंदबाजों ने काफी 11 ओवर तक काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो 4 ओवर में काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो ओपनर बल्लेबाज जिस 160 का लक्ष्य था, हमारे ओपनर बल्लेबाज जो बॉलर जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बल्लेबाज के साथ और लेकिन आखिरी ओवर में सर कारण काफी मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी उसके ऊपर
लक्ष्मी जाने वाले थे लेकिन उनके कंधे की चोट के कारण वो नहीं जा पाए। सीताराम को भेजा और उसको 6 गेंद में 70 रन बनाए। मैं सीताराम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। उनके बदौलत आज ये ट्रॉफी हमारे बस्तर इलेवन के नाम हुआ है। धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन नारायण भाई आपको और आपकी पूरी टीम को और साथ ही साथ हमारे तमाम आयोजनकर्ताओं को और हमारे तमाम अतिथियों को, क्योंकि आज आपने अपना अमूल्य समय दिया इस प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे साथ ज्वाइन करी। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे मोहन के उन तमाम आयोजनकर्ताओं के लिए एक बार फिर से तालियां जोरदार। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं पे समाप्त होता है।